नए नियम में प्रभु कहता है मैं तुमको खोजने आया, और आगे लिखा हुआ है कि जब तक वह निकट है, पास है, उसको पुकार लो। जब वो पास है तो पुकारने की क्या जरूरत है, बात करने की जरूरत है। एक बार फिर हम अपना मन आपकी आत्मा के साथ जोड़ देना चाहते हैं। इस चांदी के तार से हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जावे। आए पिताजी, परिस्थितियों के दबाव से कहीं हमारा मन आपसे दूर न हट जाए, इसीलिए पिताजी अब हमारी बुद्धि के ऊपर कुछ ऐसा ही नियंत्रण हो जाए जैसे एक घोड़े के मुंह पर लगाम लगा दिया जाए तो स्वामी उसे अपनी मर्जी से चला सकता है। कुछ इसी तरीके से आपके दास की बुद्धि पर लगाम दे जिससे कि हम आपके निर्देश का पालन कर सके। यीशु नासरी के नाम से आमेन। हमने पहले दिन शुरुआत किया था, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। और कल बड़ी स्पष्टता के साथ में फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ है जो विशेषता पाई जाती है, उस विशेषता के बारे में हमने देखा था। हम दोहरा देना चाहते हैं, ये जो सात कलीसियाएं हैं ना, इन सातों कलीसियाओं के लिए सात पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट में हम कलीसिया का नाम देखते हैं, चार्ट बना लीजिएगा घर में। तो ये पूरी सात कलीसियाएं पहले नंबर में आ गई। फिर नंबर टू में हर कलीसिया में प्रभु ने अपना परिचय अलग अलग रूप में दिया है, द इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस टू द चर्च। मैं सात दीवटों के बीच में चलने वाला, दरवाजा बंद करने वाला, खोलने वाला, अलग अलग कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग कैरेक्टर के रूप में पेश किया गया है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने उस यीशु को दाऊद की कुंजी और खोलने और बंद करने वाले अधिकार के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट, तीसरे पॉइंट में हर कलीसिया के अंदर जो खूबियां पाई जाती हैं, क्वालिटीज, उस कलीसिया की यह विशेषता है, मैं तो जानता हूं कि तू दुख उठाने में पीछे नहीं, तू विश्वास योग्य है। क्वालिटीज तीन हो गए, तीनों खानों में सातों कलीसियाओं का कुछ ना कुछ नंबर लगेगा। चौथे खाने में उस कलीसिया के अंदर दोष पाया जाता, फोर्थ कॉलम, हर कलीसिया के लिए दोष है। इफिसस की कलीसिया को कहता है मैं जानता हूं कि तूने पहले का सब प्रेम खो दिया है, तू इजबेल को आने देता है, तू ये गलती करता है, वो गलती करता है। तो ये चौथे नंबर वाले कॉलम में यदि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास जाएं तो वहां आइटम नील होगा, क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसमें प्रभु ने किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया, यही विशेषता है। नंबर चार के बाद में नंबर पांच, जहां जहां कलीसिया में कोई दोष पाया गया तो उसको सलाह दी जाती है कि मन फिराओ, रिपेंट एंड कम बैक। तो जो गलती करेगा वही ना पश्चाताप करेगा। अरे जिसने गलती नहीं किया तो पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता है। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया का पांचवा कॉलम भी नील हो जाता है, क्योंकि उसमें दोष ही नहीं है तो पश्चाताप का मामला खत्म हो जाता है। छठवें पॉइंट में, यदि तू मन नहीं फिराया, यदि तूने पश्चाताप नहीं किया तो मैं ऐसा वाला नुकसान तेरा करूंगा, मैं दीवट को हटा दूंगा। जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पांचवें कॉलम में दोष नहीं
तो छठवें कॉलम में पांच और चौथे कॉलम में दोष नहीं, पांचवें कॉलम में सलाह नहीं, तो छठवें कॉलम में मैं तेरा नुकसान करूंगा, ये पॉइंट भी निल हो जाता। इसका मतलब है तीन पॉइंट जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के निल है। सातवें पॉइंट में कहता है यदि तू पश्चाताप करेगा तो मैं तुझको ये दूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए इन तीन ब्लॉकों में आइटम नील होने के कारण सातवें पॉइंट पर प्रभु ऑलरेडी कहता है मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल के रखा है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। ये कौन सा दरवाजा है? ये स्वर्ग का दरवाजा है। केवल फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने ही प्रभु चाबी को काम में लेके आ रहा है। केवल यही कहता है इसी कलीसिया को, वो कह रहा है मैंने देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है और उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और ये बातें वहां पर आठवें पद के ब्रैकेट में लिखी हुई है। यही है वह संपत्ति जिसको फिलाडेल्फिया की कलीसिया के मामले में कहता है कि जो तेरे पास है उसको थाम के रखना, चौथे वाले कालम में कोई पाप ना आ जाए, पांचवे कालम में मुझे पश्चाताप करने का आदेश ना देना पड़े, छठवे कालम में यदि तूने पश्चाताप नहीं किया तो मैं तेरे ऐसे ऐसे नुकसान कर दूंगा, ऐसे बोल करके इस दशा को तू बरकरार रखना, तब तेरा मुकुट बचेगा, अन्यथा तेरा मुकुट चोरी हो जाएगा और बिना मुकुट के मैं अपने लोगों को ऊपर नहीं ले जाऊंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। चलिए सर, आपके सामने संपूर्ण बाइबल का निचोड़ यहां प्रकाशित वाक्य में यीशु के दूसरे आगमन के मामले में दिखाई देता है। अब जरा थोड़ा सा हम और आगे चलें। आज घड़ी आप ना देखें, हमने साथ लाए हैं, आज ही रात आपको विदा करेंगे, परंतु ध्यान धर के सुन लीजिएगा, जिसने आज की रात परमेश्वर की आवाज की धड़कन सुन लिया है उसे अनुशासित करने के लिए एक और आखिरी बार परमेश्वर निर्देश दे रहा है। अन्यथा आज के संदेश के आधार पर यदि कोई विपत्ति हमारे दरवाजे में खड़ी घंटी बजाते रहे तो इसकी जवाबदारी मेरे मालिक की नहीं होगी वरन हमारी होगी, क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुनने में लापरवाही की है। अब शुरू करते हैं हम अपना संदेश, ध्यान से सुनिए। ये जो मनुष्य है ना, वह दो दुनिया से मिलकर के बना हुआ है, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया से आता है शरीर जिसको मां जन्माती है, आत्मिक दुनिया से आती है आत्मा जो स्तन के अंदर रहती है। तो हम दो दुनिया से मिलकर के बने हुए हैं सर, शारीरिक दुनिया और आत्मिक दुनिया। शारीरिक दुनिया से शरीर और आत्मिक दुनिया से आत्मा। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य आत्मा और शरीर का संगम है, दृश्य दुनिया और अदृश्य दुनिया का संगम है, मटेरियल वर्ल्ड नॉन मटेरियल वर्ल्ड की यूनिटी है। यह मटेरियल वर्ल्ड मट्टी से आता है, नॉन मटेरियल वर्ल्ड जो है स्वर्ग से आता है। आपको मालूम होवे केवल मनुष्य ही एक ऐसी रचना है जो दो दुनिया से मिलकर के बना है। आकाश के जितने पक्षी हैं, जंगल के जितने जानवर हैं, जल के जितने जलचर हैं, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, वे सब भौतिक दुनिया से बने हैं। वे पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनका वजूद मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है, वे जमीन की खाद बन जाते हैं। गाय मरती है तो उसकी पूंछ से ब्रश बन जाता है, उसकी हड्डी से कंघी बन जाती है, उसके गोबर से खाद बन जाती है, उसके चमड़े से जूते चप्पल बन जाते हैं। परंतु मनुष्य का बाल नहीं बिकता, काटने का पैसा देना पड़ता है। मनुष्य का ओरिजिनल दांत भी नहीं बिकता, शेर का दांत बिकता है, शेर की हड्डी चमड़ा बिकता है, आदमी का चमड़ा नहीं बिकता। गाय के गोबर से खाद बनती है, आदमी का गोबर कोई काम का नहीं। हम बेकाम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन बालों को यदि बेचने बोल दिया ना, तो यीशु के दूसरे आगमन में बाल कहां से इकट्ठा करके तुम्हारे सिर में लगाएगा, क्योंकि इस शरीर को जिंदा होना पड़ेगा। एक डॉक्टर साहब ने दांत निकालते निकालते, बेचारे को चश्मे में दिखता नहीं था, चार नंबर का दांत निकालना था तो उसने तीन का निकाल दिया, ओरिजिनल निकला, और जब टूट के नीचे बाहर आया तो वो तो अच्छा था, खराब वाला अंदर ही है।
उसने कहा अरे 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 गलती हो गई बेचारा, अच्छा वाला निकाल दिया, कोई बात नहीं इसको बेच दूंगा कहीं पर। उसने ओरिजिनल दांत को ना एक डब्बे में बंद करके रख दिया। इतने में कोई दूसरा पेशेंट आया तो डॉक्टर साहब बोले सुनिए सुनिए आपका एक दांत खराब है मेरे पास, मैं ओरिजिनल रखा है लगवा दूं क्या? वो बोलेगा खबरदार दूसरे के मुंह का ओरिजिनल नहीं लगाना, डुप्लीकेट चलेगा पर ओरिजिनल नहीं लगेगा, पता रात को सपने में मेरे दांत लेने के लिए आ गया तो झगड़ा होगा नहीं। इसका मतलब है आदमी का ओरिजिनल दांत भी नहीं बिकता, बाल भी नहीं बिकता। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इस भौतिकता को परमेश्वर एक दिन अमर कर देगा। इस बाल को ही लेकर के, इस दांत को ही लेकर के हम धरती के अंदर में फिर एक बार उस महिमा की देह में प्रवेश करेंगे जिसको लेकर के हमें अपने पिता परमेश्वर, पता चला स्वर्ग गए बीच का दांत गायब तो प्रभु कह गए ए भोबड़े तेरा यहां क्या काम है। यदि टूट के कहीं गिर गया है ना तो यीशु जब महिमा की देह पहनाएगा तो पूरी बत्ती सी होगी, एक कम नहीं होगी, याद रखना। इसलिए जो टूट के जहां पड़ा है लाएगा यीशु मसीह, और जिंदा करने के टाइम पर अपनी जगह में वही वाला दांत फिक्स करेगा, ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। स्वर्ग में बड़ी खूबसूरती है सर, वहां कोई लूला लंगड़ा नहीं होगा। यदि आपका हाथ ऐसा था, यीशु के आने के टाइम पर आपका बिल्कुल हाथ स्वस्थ होगा, क्योंकि लूले लंगड़ों का स्वर्ग के राज्य में कोई काम नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए ये संसार जो है ना सब भौतिक है, आकाश के परिंदे मर जाते हैं, वजूद खत्म हो जाता है, जल के जलचर मर जाते हैं, खाद बन जाते हैं, समुन्द्र का कीड़े मकोड़े माटी के माटी में मिल जाते हैं, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को दो दुनिया से मिलकर के बनाया है जो मरने के बाद भी जीवित रहेगी। इसलिए बाइबिल कहती है मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इसलिए इस भौतिक तन की अच्छे से रक्षा करना, इसका दुरुपयोग मत करना, एक दिन इसको जिंदा होना है। मेरे प्रियो, हम संपूर्ण दुनिया के अंदर विशेष प्राणी हैं और वो भी आत्मिक। हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य के अंदर आत्मा है और आत्मा आती है परमात्मा से। चलिए हम जल्दी से टॉपिक पर आ जाएं। जैसे ये शरीर है ना, इस शरीर को चलाने के लिए एक शारीरिक बुद्धि होती है, मटेरियल माइंड है, भौतिक दिमाग, मट्टी का दिमाग। इसलिए बाइक चलाते समय सिर में हेलमेट पहन लेते हैं। यदि सिर में चोट लग गई तो दिखना, सुनना, काम करना या सेंस करने वाली इंद्रियां चोट के कारण काम करना बंद कर देंगी। जी हां, ये जो सिर है ना, यहां एक दिमाग है, उस दिमाग के द्वारा पांचों इंद्रियों का संचालन किया जाता है। इस प्रकार से ये एक शारीरिक व्यक्ति है, इस शारीरिक इंद्री का एक शारीरिक दिमाग है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक आत्मिक व्यक्ति है, नॉन मटेरियल पर्सन, सूक्ष्म दिमाग, ना माइक्रो पार्टिकल से बना हुआ है। ये सूक्ष्म भाव के समान एक दूसरा व्यक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, और उस आत्मा का अपना एक आत्मिक दिमाग है, नॉन मटेरियल माइंड है। जब ये सूक्ष्म व्यक्ति इस भौतिक व्यक्ति के अंदर रहता है तब इस भौतिक व्यक्ति के अंदर धड़कन रहती है, परंतु जब ये सूक्ष्म व्यक्ति या आत्मा शरीर को त्याग देती है तो इस शरीर को जो कितना भी भारी और खूबसूरत और महंगा और कीमती हो, इसको माटी पर मिला दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से मनुष्य के दो शरीर हुए, शारीरिक शरीर और आत्मिक शरीर, मटेरियल बॉडी एंड नॉन मटेरियल बॉडी। जिस तरीके से ये दो शरीर है ना, वैसे ही मनुष्य के दो दिमाग हैं, शारीरिक दिमाग और आत्मिक दिमाग। अब दो दिमाग हैं, दो शरीर हैं। जब मनुष्य जीवित रहता है तो शारीरिक शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मिक शरीर की आवश्यकता होती है, और इस शारीरिक बुद्धि के अंदर उसको जीवित रखने के लिए आत्मा की बुद्धि काम करती है।
यदि सूक्ष्म दिमाग स्थूल दिमाग से निकल के बाहर चला जाए तो यह माटी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। जब मुर्दा जब आदमी मर जाता है ना तो आत्मा निकल जाती है, उसको बोलो ए कपड़ा पहनना, बटन लगाना सामने की, कहां ऐसे सोया हुआ है, उसको समझ में नहीं आता है। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं बेटा आखिरी बार पापा को पानी पिला दे, तो अपन मुंह खोलते हैं और प्याले में चम्मच लाके छोटा सा मुंह में ना चम्मच का पानी डालते हैं, चम्मच से छोटा स्पून के साथ। तो पापा कहते हैं जिंदगी भर जब मैं पीता था गुटकता था तब नहीं दिया, पिचिक नहीं पीते जा, अंदर लेता ही नहीं। पापा का मैं तुम्हारी बिटिया हूं अंदर ले लो, अरे जिंदगी भर पानी नहीं दी गिलास में, अब क्या चम्मच में पिला रहे हैं। मुर्दा पानी नहीं पीता, उसको सबके सामने कपड़ा उतार के नहलाते हैं, उसको शर्म नहीं आती, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल गई, और आत्मा के साथ आत्मा का दिमाग भी निकल गया, इसलिए शरीर और शरीर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है शरीर में जान आत्मा के शरीर के आधार पर, और शरीर की बुद्धि में बुद्धि आत्मा की बुद्धि के कारण। याद रखिएगा, इसका मतलब है शरीर का दिमाग अपने आप में नहीं सोच सकता जब तक कि उसके अंदर आत्मा और आत्मा का दिमाग का प्रभाव नहीं होगा। जब इंसान मर जाता है ना तो सोचना बंद कर देता है, परंतु सोचने का काम जारी रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी सच्चाई बताई थी, और वो सच्चाई थी एक धनवान व्यक्ति था और उसकी देवड़ी में लाजर भीख मांगने का काम किया करता था। बाइबल बताती है कि लाजर मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और उसके शरीर को किसी कोने पर गड्ढे खोद के गाड़ दिए गए और कीड़ों ने उसके शरीर को खा गए। धनवान भी मर गया, परंतु यहां स्वर्ग दूतों का कोई ऑपरेशन नहीं था। ये धनवान को अधलोक में पहुंचाया गया और बाइबल बताती है धनवान ने अपनी आंख उठाकर देखी तो वो आंख जो कब्रस्थान में गई वो देख रही थी, या आत्मा जो अधलोक में गया वो वाली आंख देख रही थी। जरा बाइबल को अच्छे से समझिएगा, इसका मतलब आत्मा की आंख भी होती है। वो आंख तो कीड़े खा गए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बना के, खूब लगाई थी ना मैडम तुमने काजल, और आईब्रो भी बनाई थी, परंतु खा लिए कीड़े अंदर जाके। याद रखें, ये धनवान नीचे गया और उसने आंखें उठाई और आंखें उठा करके इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और कोई नहीं मिला उसको, लाजर ही पहचान में आया जबकि करोड़ों वहां थे। क्योंकि धनवान भौतिक बुद्धि से अपने घर के सामने पड़े लाजर को देखते देखते शरीर की बुद्धि से आत्मा की बुद्धि के अंदर में लाजर का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए मरने के बाद में लाजर का चेहरा याद था, बाजू वाले का नहीं था। याद रखना, इसका मतलब है भौतिक आंखें जो देखती हैं, भौतिक बुद्धि जो सोचती है, उसका दबाव उसकी कहानी आत्मा के दिमाग में लिख दी जाती है। इसलिए धनवान ने करोड़ों आत्माओं से इब्राहिम के बिगोद में केवल एक चीज को देखी और वो था लाजर। और उस लाजर को देखने के बाद में उसने इब्राहिम बाबा से बोला, इब्राहिम बाबा, इब्राहिम बाबा। इसका मतलब बोला तो मुंह होगा ना कि कान से बोल देगा, मुंह से बोला उसने इब्राहिम इब्राहिम। लाजर को बोलो कि अपनी छोटी वाली उंगली पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, अरे बिस्लरी की बोतल मत भेजे कि बूंद से काम चला लूंगा। परंतु अब्राहम बाबा कहते हैं सुनो, हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में एक भारी गढ़ा है, ना तो सुखलोक से अधलोक में कोई जा सकता है ना अधलोक से सुखलोक में कोई आ सकता है। तो अब्राहम की आवाज धनवान ने सुना, इसका मतलब आत्मा के कान भी होते हैं। फिर उसके बाद में धनवान ने कहा कोई बात नहीं, अपनी तो रिजर्वेशन हो ही गई है यहां रहने की,
मेरे पांच और भाई हैं, खाई नहीं खाते, गुटखा भी दारू भी पीते हैं, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का लफड़ा उनके साथ थोड़ा ज्यादा ही चलता है। ऐसा करो, लाजर को जिंदा करो और जाकर के मेरे पांच और भाई लोगों को संदेश सुनवा देना लाजर के द्वारा, क्योंकि जब मैं पीता था ना तो ये भी पांच मेरे साथ में बॉटल लेके पीते थे, उनको भी लाजर के बारे में मालूम है, इसलिए वे लाजर की बातों को बहुत जल्दी से मान लेंगे। तेरा भाई अधलोक में है, अभी जरा देखना, अधलोक में जाइएगा ना तो पांचों भाइयों की मेमोरी याद रहेगी, याद रखना, उनको यह भी याद रहेगा कि मेरे भाई भी दारू पी रहे थे एक साथ में, कहीं ऐसा ना हो मैं आ गया, मेरे पांच और भाई यहां आ जाए और हम पूरे छह कबड्डी खेले यहां एक दूसरे के साथ में, आग के रास्ते। याद रखना, मरने के बाद आपकी याददाश्त समाप्त नहीं हो जाएगी, मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद सुना जाएगा, मरने के बाद बोला जाएगा, मरने के बाद याददाश्त धरती के अंदर रहेगी। आपने कौन कौन से काम किए हैं वो भी याद रहेगा, कितने अधर्म किए हैं, कितने धर्म किए हैं, वो सारी कहानियां और सच्चाइयां आपको कहीं ना कहीं मृत्यु के बाद में भी याद रहेंगी, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो ये कौन सा वाला दिमाग है, जरा याद कीजिएगा ना, ये कोई शारीरिक दिमाग नहीं है। शारीरिक दिमाग को तो कफन के डब्बे में बांध करके गड्ढे के अंदर में गाड़ दिया गया, उसको कीड़े खा गए, परंतु ये याददाश्त जो शरीर के दिमाग में थी आज भी जीवित है आत्मा के दिमाग में। इसलिए वैज्ञानिक लोग दो दिमाग की बात करते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। अंग्रेजी बोले तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड बोले तो ये शरीर का दिमाग है जो 70 बरस तक काम करता है जब तक आत्मा शरीर के अंदर रहती है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस माइंड। इसको कहते हैं चेतन मन। चेतना मृत्यु के बाद में माटी पर चली जाती है, परंतु अवचेतना वह है, सबकॉन्शियस माइंड वह है जो आत्मा के अंदर शरीर के दिमाग ने कहानी लिख करके रख दिया है। यह है आत्मा का दिमाग। शरीर के दिमाग का 70 साल के बाद में अंत हो जाएगा, परंतु आत्मा के दिमाग अमर रहेंगे, करोड़ों करोड़ साल के बाद भी यह याददाश्त बनी रहेगी, इसको मिटाया और झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बड़ी रहस्यमय कहानी आज हम आपको बताना चाहते हैं। पुराने जमाने में जब ये जेरेक्स मशीन नहीं हुआ करती थी तो हम कार्बन का कागज रखते थे। जब हमको 2 लिपि और 3 प्रति बनानी होती थी तो ऊपर वाले कागज के नीचे जितने भी ट्रू कॉपी या फिर उसकी कार्बन कॉपी बनाना रहता था, 2 ज्यादा से ज्यादा 3, 4 में थोड़ा सा कम उछलता है, पहले पेपर के नीचे कार्बन और उसके बाद में दूसरा कोरा कागज, फिर उसके बाद में कार्बन और फिर उसके बाद में तीसरा कागज, फिर ऊपर जो लिखेंगे कार्बन नीचे वाली कॉपी में जैसा लिखा जाता है ना वैसा ही उछाल देता है, उतार देता है, इसको कहते हैं कार्बन कॉपी। हेलो, कुछ इसी प्रकार से चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में परमेश्वर ने एक ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से कार्बन कॉपी डाल के रखा है। यह समझाने का तरीका है, सच का कार्बन मत समझ लेना। एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर के दिमाग और आत्मा के दिमाग के बीच में पैदाइशी परमेश्वर डाल के रखता है। तो हम शरीर के दिमाग में जो जो काम करते हैं, हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, शरीर के दिमाग में हम जो जो काम करते हैं वो आत्मा के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। हेलो, यदि मेरा शारीरिक दिमाग शरीर को बोल रहा है चलो बीड़ी पिएंगे, तो शरीर के दिमाग से बीड़ी पीने की आदत आत्मा के दिमाग में उछल जाएगी, जैसे कार्बन कॉपी उछाल देती है। तो चेतना के द्वारा बीड़ी अवचेतना में रैकेट हो जाती है। शारीरिक दिमाग के द्वारा खाया गया
खैनी का, गुटका का, पान का मामला मेरी आत्मा के अंदर कहानी के रूप में लिख दिया जाता है। खाया था शरीर ने खैनी, परंतु आत्मा में खैनी की आदत याददाश्त में बदल गई। और जब ये आत्मा मृत्यु के बाद निकलेगी ना, तो इस आत्मा के साथ आत्मा का दिमाग भी निकलेगा। और ये आत्मा का दिमाग जब आज शरीर के दिमाग के अंदर में रहता था, तो दिन में 5 बार खैनी खाता था। तो जब ये आत्मा शरीर को त्यागती है, तो आत्मिक दिमाग भी निकल के बाहर आ जाता है। और जब ये आत्मिक दिमाग निकल के बाहर आता है ना, तो आत्मा के दिमाग के अंदर शरीर ने पहले कहानी लिख दिया था, 5 बार खैनी खाने की आदत। अब ये आत्मा मृत्यु के बाद निकल गई, तो ये खैनी खाने वाला शरीर और खैनी खिलाने का आदेश देने वाला दिमाग दोनों को कब्रस्थान में माटी के अंदर गाड़ दिया। तो बेचारे ये तो कीड़े मकोड़े के बन गए लंच डिनर ब्रेकफास्ट, परंतु इस कमबख्त शरीर ने और शरीर के दिमाग ने मरने के पहले आत्मा के दिमाग में खैनी की आदत को परमानेंट कर दिया। लिसन मी केयरफुली, और खैनी की आदत आत्मा के अंदर में अमर हो गई। यदि मैं मरा और मेरी आत्मा निकल के गई, तो इस आत्मा को जब मैं बाहर निकलते देखूंगा, तो इस आत्मा के दिमाग में जो आत्मिक दिमाग है ना, उसमें शरीर ने 5 बार दिन के अंदर खैनी खाने की आदत को रिकॉर्ड कर दिया है। अब मैं भूत बन के निकला, पान की दुकान में जाऊंगा तो वहां खैनी मांगूंगा और वो देने वाला है नहीं। हेलो, 3 बार बीड़ी पीते हैं ना, शाम को 7 बजे के बाद में दारू की बोतल याद आती है। तो आत्मा जब शरीर से निकलेगी पीने वाले की ना, तो अंदाज तो लग ही जाएगा 12 घंटे हो गए हैं फेकोलॉजी के हिसाब से। तो वहां होगा ये कि ये भूत बोलेगा बॉटल 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 बॉटल। अब यदि वो दारू की भट्टी चला भी जाए, तो बेचारा आत्मा दारू पी सकती क्या? उसको मिलेगी भी नहीं। जैसे आजकल एक बड़ा पाप चल रहा है, ये हीरोइन चरस भंग, खैर गांव देहात में इतना ज्यादा नहीं है, हम शहरों में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, जब हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो 80% युवा युवती जिनको माँ बाप से प्यार नहीं मिला, वे कहीं ना कहीं नशे के गुलाम हो गए। कहीं वो इंजेक्शन देते हैं, कहीं वो बीड़ी में कुछ कुछ मिला मिला के हीरोइन पीते हैं। यदि उधर चले जाएं जहां से पास्टर जी आते हैं, रतलाम के ऊपर में, वहां तो खेती होती है गांजे की, उससे हीरोइन बनती है। और ये एक बड़ा हमला युवा पीढ़ी को आज की तारीख में नशे का हो रहा है। यदि उसको शाम को इंजेक्शन नहीं मिला, तो पागल की तरह, जैसा बंदर कूदता है ना एक डाल से दूसरे डाल में, ऐसे पागल की तरह कपड़ा फेंक के भागने लगता है, क्योंकि वह उसका आदि हो गया है। याद रखिएगा, जिन लोगों को नशे की आदत पड़ जाए, वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। याद रखिए, ऐसे ही मैंने बीड़ी पीने की आदत को, जो शरीर के द्वारा आत्मा के अंदर खोद दिया ना, ये आत्मा भी कुछ ऐसे पागल पागल होगी, फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, पीपल के पेड़ से इमली के पेड़ में जाएगी। उसको लगेगा दारू 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 दारू, और आत्मा को कौन दारू पिलाएगा आप ही बताइए। और यदि वह बहते हुए नल के नीचे मुंह भी डाल ले, तो आत्मा के अंदर नहीं ना जाएगा। इसका मतलब है उसके आत्मा के मन के अंदर में दारू के बिना जो व्याकुलता पाई जाती है, वह व्याकुलता असहनीय होगी। याद रखना, अब आप क्या है, सुबह शाम मोबाइल लिए इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक, बोलिए इचिक बिचिक। अभी हमको ये बड़ा अच्छा शब्द है, गांव के देहाती ने कहा, ये इचिक बिचिक इचिक बिचिक, बोलिए इचिक बिचिक इचिक बिचिक, मतलब ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है, जबरदस्ती बटन दाबने के लिए 24 घंटे इचिक बिचिक इचिक बिचिक इचिक बिचिक। मान लीजिए आप मर गए और इस शरीर के दिमाग ने ये बटन दाबने की आदत को अमर कर दिया, और मरने के बाद अपन भूत बन के निकले,
तो ये आत्मा मोबाइल ढूंढेगी तो उसको पकड़ाएगा क्या कोई? इसलिए जितने लोग मोबाइल चला चला के मर गए वो किसी ना किसी कोने में अपने हाथ पर ही उंगली दाबते हुए नजर आएंगे। ए क्या कर रहा है? मोबाइल खेल रहा हूं। अरे तेरे पास में कुछ दिख रहा है? नहीं बोले, ऐसे करने की आदत बन गई है, अब अमर काल तक ना मैं हाथ में ऐसे ही करते रहूंगा, ऐसे ही करते रहूंगा। सोच लेना, ये विज्ञान है, विज्ञान अध्यात्म का विज्ञान है, इसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। मरने से पहले आपने दारू की कहानी लिखी है, मरने से पहले आत्मा के दिमाग में शरीर के रास्ते मोबाइल की कहानी लिखी, मरने से पहले आपने लव यू की कहानी लिखी है, अपनी पत्नी को छोड़ गैर पत्नी को डोरा डालते रहे, शादी के पहले वो कर लिया जो बाद में करना चाहिए था, बर्दाश्त नहीं होगा मेरे मालिक को यीशु के दूसरे आगमन में ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की कहानी। आप अपनी आत्मा के अंदर में पाप को अमर बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा हुआ मरे नहीं और प्रभु ने हमको भेज दिया सोठा लेकर के, इसलिए हाथी के समान कान खोल के सुन लीजिएगा। यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक आदतों में आप उलझे हैं, आपकी आत्मा में ये आदत अमर हो जाएगी। अब हमारे सामने एक प्रश्न है, हम अपने शरीर के दिमाग से कौन सी वाली कहानी अपने आत्मा के दिमाग में लिख रहे हैं? अब दो प्रकार की कहानियां होती हैं, जरा देखिएगा। यदि मैं पहला कुरंथियों की किताब और उसके तीसरे अध्याय में आ जाऊं तो वहां बाइबल हमें, हम बाहर वालों के साथ साथ अंदर वालों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। यहां 11वें पद में लिखा है, पहला कुरंथियों 3:11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ, घास और पूस का रद्दा रखे, यहां 6 लिस्ट है, सोना जो आग में नहीं जलता, चांदी जो आग में नहीं जलती, बहुमूल्य पत्थर हीरा मोती उखराज लहसुनी पीतमणि नीलमणि सोलेमणि मणि, ये जो बहुमूल्य पत्थर है वो आग में जलने के बाद जलते नहीं, परंतु दूसरी 3 लिस्ट है, घास पूस और काठ। काठ मतलब लकड़ी, घास मतलब घास, पूस मतलब बहुत पतला वाला घास जो आग पड़ते ही सुलग पड़ता है। हर एक का काम परखा जाएगा, इसलिए वह आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी। जिसका काम बचा रहेगा वो मजदूरी पाएगा और जिसका काम जल जाएगा वह हानि उठाएगा। अब ये जो 2 लिस्ट है, काट घास और पूस का जो संबंध है वो शरीर के काम से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसको बंद मत कीजिएगा, अर्थात गलातियों की किताब में और उसके गलातियों की किताब में और उसके 5वें अध्याय में और उसके 19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात 1 व्यभिचार, 2 गंधे काम, 3 लुचपन, 4 मूर्ति पूजा, 5 डोंटोना, 6 बैर झगड़ा, ईर्ष्या क्रोध विरोध डाह मतवालापन लीला क्रीड़ा। ऐसे ऐसे काम इनके विषय में मैं पहले ही कह देता हूं, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। विश्वास का कोई काम नहीं है, यहां कान खोल के सुन लीजिएगा। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह है काठ, यह है घास और यह है पूस। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा,
आज बहुत सी मुख्य कलीसियाएं हैं जिनमें यह विश्वास माला पढ़ी जाती है, मैं विश्वास करता हूं पिंत पिलातुस में दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, कुंवारी मरियम परम का ढमका, और लंबी विश्वास माला पढ़ने के बाद कहते हैं मैं विश्वास करता हूं विश्वव्यापी कलीसिया पर वो आएगा ले जाएगा। अरे नहीं ले जाएगा बीड़ी मास्टर, नहीं ले जाएगा। आप कान खोल के सुन लीजिए, आप ये फालतू का बकवास बंद करें। आप बाइबिल का प्रभु कहता है ये मनोरंजन का तरीका है हमारा, परमेश्वर के राज्य के पास जाने का तरीका नहीं है। इस सिद्धांतों से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। बाइबिल कहती है यदि तेरे अंदर शरीर के काम है, यदि तेरे अंदर में अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गैर के ऊपर नजर रखा कर लगा रखा है, यदि तेरी शादी नहीं हुई तो भी तूने गर्लफ्रेंड बना लिया है, यह व्यभिचार के अंतर्गत आता है। और ऐसे बाइबिल परमेश्वर कहता है जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं वे परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देखेंगे। शादी करने के बाद अपनी पत्नी को मरे तक गर्लफ्रेंड बना के रखना, तुम तो 2 साल के बाद में बाहर झांकने लगते हो। मूर्ति पूजा, लोभ तो मूर्ति पूजा के बराबर है। चाहे जायदाद का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे कुर्सी का लोभ हो, चाहे मान का लोभ हो, चाहे इज्जत का लोभ हो, जितने भी लोग लोभी मिजाज के लोग हैं, किसी भी प्रकार का लोभ होगा, ये मूर्त की पूजा के बराबर है। हो सकता है आपका विश्वास यीशु मसीह पर होगा, परंतु आप कुर्सी के लोभी हैं, पैसे के लोभी हैं, संस्थाओं में 100 के ऊपर में 0 लगा के 1000 बिल वसूल किए जा रहे हैं। आज जितनी भी संस्थाएं प्रोजेक्ट पर खड़ी हुई हैं, उनके अंदर में पारदर्शिता नहीं देखी जाती है। हम भी मीटिंग करते हैं, बाद में बचेगा कितना कि हम पार्टी करें, इसमें दर्शन ज्यादा होता है। यह व्यापारी मिजाज अलग कीजिए आप। बाइबिल का प्रभु कहता है मूरत की पूजा अर्थात लोभ, कुर्सी का लोभ हो, मान का लोभ हो, इज्जत का लोभ हो, हर लोभ जो है वह मूर्ति पूजा के बराबर है। भले ही आपने पाथर गोटा पर माथा नहीं टेका तो क्या हो गया, झूठे बिल तो पेश किए थे संस्था को। ये काला पीला नहीं चलेगा यीशु के दूसरे आगमन में। ये काट है, ये घास है, ये पूस है, एक दिन जल जाएगा, याद रखिएगा। टोनहा, बैर, आज कितना बैर पाया जाता है। तुम कौन सी संस्था के हो? हम तो CNI वाले हैं। अच्छा, तुम रोमन कैथलिक। रोमन कैथलिक लोग पेंटिकॉस्टल लोगों के साथ में जय मसीह प्रेज द लॉर्ड नहीं करते। अच्छा, तो बैर नहीं क्या? नहीं, ये हमारी मीटिंग नहीं है, उनकी है। तो उनकी बाइबिल और तुम्हारी बाइबिल में अंतर है क्या? नहीं, ये हमारा कन्वेंशन। अच्छा, तुम्हारा है, उनका है। तो उनकी बाइबिल का इशू कल आएगा, आज हमारे वाले बाइबिल का इशू आया है। तुमने मेरे यीशु को बांट दिए रे, क्या बैर नहीं? जय मसीह की ब्रदर, हाथ मिलता है पर दिल मिलता नहीं। काट है काट, घास है घास, जल जाएगा एक दिन, याद रखिएगा। विश्वास हो सकती है हमारा उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, वह है मसीह। हो सकता है हम भी मसीह वाले हैं, वो भी मसीह वाले, फिर इनमें झगड़ा क्यों हो रहा है? यदि झगड़ा हो रहा है तो बैर है। और फिर उसके बाद में लिखा है झगड़ा। जब झगड़ा है तो यीशु के आगमन के लिए आप तैयार नहीं है। मेरे यीशु को और यीशु के दूसरे आगमन को संस्था की कच्ची डोरियों से विभाजित मत कर दीजिएगा, भारी पड़ेगा बाद में। झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, एक एक को बताने के लिए फुर्सत नहीं है। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये मोबाइल में जितना कार्यक्रम करते हैं वो लीला क्रीड़ा के अंतर्गत आता है। पोर्नोलॉजी, देखिएगा नंगा लड़का लड़की क्या करते हैं, वो वाला चित्र, जीप से डालिए पानी 1 लीटर बाहर। आज 80% युवा और युवती और विवाहित लोग पोर्नोलॉजी के गुलाम हैं, वासना से उनके माथे खराब हैं। बच्चों को सोने देते हैं रात के 10 बजे के बाद में और लाइट ऑफ करके मोबाइल में ऐसी वाली वेबसाइट्स खोलते हैं जिससे वासना पैदा होती है।
पत्नी नहीं देखी तो क्या हो गया, पति नहीं देखा तो क्या हो गया। आज जवान बच्चे जिनको पापा ने टच मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया है, जिद कर करके तो ले लिए और जियो सिम लगा लिए, टावर तो पास में ही खड़ा है, उसमें कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं आप? लीला क्रीड़ा, पहले पिक्चर हॉल में लीला क्रीड़ा होती थी, आजकल तो ये पिक्चर हॉल घर ही में आ गया है। बस किसी भी पेड़ के नीचे चले जाइए, दीवार के तरफ कोई मत देखिए और इचिक बिचिक करते रहिएगा, लीला क्रीड़ा हो रही है। सावधान, बाइबिल का प्रभु कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले कांट घास और पूस के अंतर्गत आते हैं, और मेरा यीशु जब आएगा ना तो वह धधकती हुई आग में होकर के आएगा, और जब वो आएगा तो उसकी आग हरेक के जीवन के काम को परखेगी। याद रखिएगा, यदि हम तिमुथियों की किताब, यदि मैं सही हूं तो निकाल के यदि मैं निकाल दूं, यस पहल दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका आठवां पद से पढ़ते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे वे पलटा लेगा और वे प्रभु के सामने से और उसके तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तेज, जब यीशु आएगा तो धधकती हुई आग में होकर के आएगा। सातवें पद में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हैं हमारे साथ चैन दे, और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। इसका मतलब है यीशु के दूसरे आगमन में आग आएगी और आग विश्वास नहीं परखेगी, आग काम परखेगी। तुमने काट का घास का पूस का रद्दा रखा था, विश्वासी होने के बाद भी बीड़ी पीते रहे, विश्वासी होने के बाद भी खैनी खाते रहे, विश्वासी होने के बाद भी पोर्नोलॉजी देखते रहे, विश्वासी होने के बाद भी गंदे काम करते रहे, विश्वासी होने के बावजूद भी माँ बाप का अपमान करते रहे, विश्वासी होने के बाद भी पत्नी को पीटते रहे, विश्वासी होने के बावजूद भी पत्नी के पति के लिए हड्डी तोड़ते रहे, और जब पति ऑफिस में जाता है तो मैडम साड़ी के नीचे से दूसरा वाला मोबाइल लाती है, दिखाने वाला दूसरा और काम करने वाला दूसरा, दो दो मोबाइल है पत्नी के पास में। जब हस्बैंड रहता है तो नंबर वन वाला मोबाइल से बहुत बातचीत होती है और फेंक देती है, देख लेना ओरिजिनल है, परंतु जैसे ही पति जाता है साड़ी के नीचे से प्राइवेट वाला मोबाइल, हमको नहीं मालूम ये प्राइवेट बिजनेस किसके साथ चलता है, ऊपर वाले की आंख का मोतियाबिंद नहीं हो गया है मैडम, कान खोल के सुन लेना आप। जैसे ही ऑफिस गया मालूम है 4 बजे आने वाला है, उस मोबाइल को फिर से साड़ी के नीचे दबा देते हैं पता चल जाएगा बोल के। मैं हस्बैंड से पूछता हूं, आपने अपनी पत्नी को मोबाइल देने से पहले उसमें क्या क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं? पासवर्ड क्यों लगाए हो? और पत्नी ने भी अपने मोबाइल में पासवर्ड रखी है, क्यों? पति के हाथ में पत्नी अपनी और पत्नी अपने पति के हाथ में अपना मोबाइल नहीं देती, और चला भी गया तो पासवर्ड से लॉक करके, और आए दिन पासवर्ड बदलते हैं। कौन सा प्राइवेट बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? व्हाट इज द यूज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ? ये पासवर्ड का काम क्या है अपने मोबाइल के अंदर में? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द फैमिली, कुछ है, याद रखना घास काट पूस। हम अपने चेतन मन से अवचेतन मन के अंदर में घास काट और पूस अर्थात शरीर के 19 कामों की कहानी लिख रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी धधकती हुई आग में आएगा तो बाइबिल का परमेश्वर कहता है शरीर के काम जल उठेंगे। फिर उसके बाद में एक और काम की लिस्ट है, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये वो काम है जिन कामों को बाइबिल कहती है आत्मा के काम। गलातियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें पद में हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम। यह है
नो फल, नो पत्थर, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये सोना है, चांदी है, बहुमूल्य पत्थर है। सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये आत्मा के काम है। अब मेरे आपसे एक सवाल है, हमारे मन के अंदर जो शरीर वाला है ना, हमने कौन से वाले काम की कहानी आत्मा में लिखी है? शरीर के काम जो काट घास पूस है, या आत्मा के काम जिसमें प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम आता है? हमारा एक प्रश्न है, हमारी बुद्धि शरीर के कामों के प्रभाव में है या आत्मा के कामों के प्रभाव में है? यदि हमारी शारीरिक बुद्धि आत्मा के कामों के प्रभाव में है, तो ये शरीर की बुद्धि जब आत्मा के प्रभाव के काम में आ जाए, तो आपके अंदर में ये नौ अनुभव दिखाई देंगे जो सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर रखे हृदय रखने का कारण बन जाते हैं। ये धर्म नहीं है, ना ही धर्म परिवर्तन है। ये तो अपने आचरण को परमात्मा के आचरण से मेल करके उसके आचरण में ढल जाने की कहानी है। और पैदाइशी इंसान जब धरती पर पैदा होता है, तो ऑलरेडी ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन और शिकायत का शिकार होता है। शरीर के काम तो प्रगट हैं मेरे प्रियो, ये सारे काम हैं जिसको शरीर आए दिन दिन भर उसी कामों से प्रभावित होकर के वही काम करते रहता है। और आइए, शारीरिक दिमाग आत्मा के दिमाग में इन कहानियों को लिख रहा है। एक बात याद रखना, ये तन और तन का दिमाग जब मर जाएगा ना, तो मरने से पहले ये तन और तन का दिमाग वो पाप की कहानी लिख जाएगा जिसको मालिक भी ब्लेड से खरोच करके निकाल नहीं सकता है। उसका एक ही नतीजा है, नरक की आग, जहां धनवान चला गया। उसको याद है अपने भाइयों के बारे में, उसको याद है मैं बीड़ी पीता था, उसको याद है मैं अय्यासी करता था, उसको याद है मैं खाई नहीं खाता था, उसको याद है मैंने कौन कौन सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये तो तुम्हें यहां नहीं, मरने के बाद जब अग्नि में जलोगे ना, तब समझाना नहीं पड़ेगा आपसे, आप समझ में आ जाएगा। अभी तो मार लो लड़की को नाइन, अभी तो दबा दो बटन जियो की सिम में पाप वाली कहानी के बारे में। एक दिन जब ये शरीर से आत्मा निकल जाएगी, आए मोबाइल के गुलामों, जब धरती की जमीन की गहराई में वहां आत्मा की आग में जब हमारी आत्मा झुलसेगी ना, तब आपको याद आएगा कि हमने मोबाइल में पाप किया था, हमने शादी के पहले वो कर लिया जो बाद में करना चाहिए था, अब हमें आग में झुलसना पड़ रहा है। अभी तो हंस लो, एक दिन ऊपर के स्वर्ग दूत तुम पर हंसेंगे और याद दिलाएंगे, कैसा रे बाबा, अब कैसी रही, गया ना धंधा घाटे में, कर लिया पाप शरीर में रह करके, अब कैसा मजा आ रहा है तुझे देखने पड़ेगा। सावधान, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाईजान, आप नरक जाएंगे तो मेरा चमड़ा नहीं जलेगा, और सुनो, स्वर्ग गए तो हमारी संस्था के नाम पर कोई मनी ऑर्डर भेजने वाले हो नहीं, आएगा ही नहीं वहां से। हम चाहें तो आपको मक्खन मालिश करके जा सकते हैं, परंतु मालिक ने हमको इस बार के लिए नहीं बुलाया है। हम ऊपर में सफेद पेंट करके पुरानी कार को नई नई बनाते, वरन हम तो इंजन निकाल करके पिस्टन और स्लू बदल देते हैं, भले ही गाड़ी में ढक्कन ना हो, परंतु चलेगी फुनकार करके पहाड़ में। जिसको जिसको बटरिंग करना है वो करे, मेरा मालिक मुझे पेंटिंग करने नहीं भेजा। आपको ऊपर जाना है तो तैयार होना पड़ेगा, काट और घास और पूस के रद्दों के बजाय को रखने के बजाय सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को रखना पड़ेगा। और ये सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे वो काम है जो आत्मा के द्वारा हमारी जिंदगी के अंदर निर्धारित किए जाते हैं। इसी के आधार पर यीशु का आगमन तुम्हें महिमा की देह देगा। कल हमने ये बात छोड़ दिया था, रोमियो की किताब के 8वें अध्याय के 11वें पद में, रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स 11, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वही आत्मा यदि तुम्हारे अंदर है, तो जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, वही आत्मा तुम्हारे मरे हुए शरीर को भी जीवित करेगा। अर्थात यीशु जैसे मुर्दों में से जी उठा, वैसे तुम भी जी उठोगे, परंतु उसकी एक शर्त है, और वो शर्त है पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट इज द रेजरेक्शन पावर।
ये कोई पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, ठाकुर है हम, ठाकुर हमें ईसाइयत से कोई लेना देना नहीं, हम तो यीशु और यीशु के वचन के गुलाम हैं। याद रखिएगा, ये सिद्धांतों की कच्ची डोरियों से अपने आप को सच्चाई की वादान पर खड़े होने से इनकार मत करो, नहीं तो धंधाबाद में घाटे में जाएगा। आप जहां हैं वहीं रहिए, आपका सिद्धांत क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा प्रभु आपके सिद्धांत के आधार पर आपको लेने नहीं जाएगा, वरन वह हमें तो अपने वचन के आधार पर लेने आएगा। बुद्धिमानी इसी में है, संस्कारों को दीवार के अंदर रखिएगा। यदि स्वर्ग का मामला आता है तो परमेश्वर की सच्चाई का अनुसरण आपके जीवन को बुद्धिमान बना देगा, अन्यथा मूर्खों की लिस्ट में तो है ही है। नरक जाने के लिए टिकट नहीं कटाना पड़ता, हमारे आदम बाबा हमारे लिए रिजर्व करके पैदा किए हैं। रिकैंसलेशन करा लीजिएगा, पुरानी टिकट को कैंसल करा के नहीं ले लीजिएगा। चलिए अब हम अपने विषय में आए, अभी तक हम समय बना रहे थे, रात आज हमारी है। बाइबल का प्रभु कुछ इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह के चेले 3.5 साल प्रभु के साथ रहते रहते उनकी दिमाग की जंग को प्रभु झड़ाते रहे, और 3.5 साल के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का पूरा दिमाग घस घस के मांझ दिया, जैसे आप गंजी घसते हो काली वाली, ठीक है कि नहीं। तब उनकी अकल में थोड़ी सी अकल आ गई, तब यीशु मसीह के चेले बार बार प्रभु बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूं। तो एक दिन चेलों को रहा नहीं गया, तब उन्होंने कहा अकेले में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 3 पद, वहां लिखा है, जब यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम पड़ाव में चेलों के दिमाग के जंग झड़ा दिए गए ना, तब ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न उन्होंने पूछा जो देखते बनता है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी। तो प्रभु जी ने बोला, कौन सी बातें? तब उन्होंने 2 प्रश्न किया, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब ये ढीमरों को, मछली पकड़ने वालों को जो आधा कपड़ा पहनते थे, इनको इतनी अकल आई कहां से? इसका मतलब है चेले भी जो प्रश्न कर रहे थे ना, वो अपने दिमाग से नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रभु के साथ रहते रहते प्रभु ने उनको अपनी बुद्धि बांट रखा था, इसलिए पवित्र आत्मा चेलों के दिमाग में ऐसा प्रश्न डालते थे जो विश्व के लिए चिंतन का विषय बन जाता था। इसीलिए बाइबल हमें बोलती है कि यीशु के चेलों ने जो प्रश्न किया, हे प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, निशान, एविडेंस, प्रूफ। 2 प्रश्न हैं, यीशु के आने का चिन्ह है और जगत के अंत का चिन्ह है। ओरिसा वासियों, बार बार आप हर वर्ष कहीं ना कहीं विपत्ति के झकोले में रहते हो, कहीं तूफान का हमला होगा, कहीं बारिश का हमला होगा, हर बरस या 1-2 साल के बाद में कहीं ना कहीं ओरिसा प्रांत को भारी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? हम आपके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देते हैं, संदेश के बीच में आपको कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वाई, क्यों ओरिसा के अंदर में इतनी प्रकार की विपदाएं आ रही हैं? ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए छोड़ दीजिए इसको, पेंडिंग में रखिएगा। बाइबल हमें बताती है कि चेलों ने पूछा, हे प्रभु तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। आज हम चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रश्न तो 2 हैं, अलग अलग हैं, परंतु उत्तर में प्रभु यीशु मसीह एक ही जवाब देते हैं, और वो जवाब ये है, जरा जवाब भी सुन ले। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान,
अब हमें समझ में नहीं आता किस मामले में सावधान। यदि मुझे केवल सावधान के ऊपर संदेश देने के लिए बोल दें तो कई महीने गुजर जाएंगे 3 घंटे पर डे के हिसाब से। बाइबिल बोलती है सावधान, और उसके बाद में दूसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये भरमाना होता क्या है? एक नया एजेंडा सामने खड़ा है, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। अच्छा, फिर उसके बाद में 5वें पद में बाइबिल कहती है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, जिसको झूठा भविष्यवक्ता कहते हैं, द फाल्स प्रॉफिट, द फाल्स मसाया, झूठे मसीहा। और बाइबिल का परमेश्वर कहता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो झूठा मसीहा बन करके आएंगे। मसीहा, जोर से बोलिए, मसीहा का मतलब क्या होता है? यीशुआह मसीहा। यीशुआह वो व्यक्ति है जिसने 30 साल तक मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीवन का पालन किया और मूसा के हर नियमों को अपने जीवन के अंदर में पालन किया, इसे कहते हैं यीशुआह। परंतु मसीहा, जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आए ना, तो आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशुआह के ऊपर जब उतर आई, तब आकाश से एक वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जी हां, उसी दिन से यीशुआह के आगे या पीछे मसीहा लग गया। मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त। अभिषिक्त का मतलब होता है किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकार और सामर्थ्य दे जावे। तब वो व्यक्ति जिस काम के लिए पवित्र आत्मा ने उसको अधिकार और सामर्थ्य दिया है, उसको कर सकने में सफल हो जाए। इस पूरे सिस्टम को अभिषेक कहते हैं। दुनिया की एक भी थियोलॉजी की किताब में ऐसी वाली परिभाषा नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन लीजिए, अभिषेक कोई तेल डाल दिया, हाथ पर हिला दिया, ऐसे ऐसे कर लिया, वो नहीं है। अभिषेक ईश्वरीय बुद्धि के द्वारा, ईश्वरीय दिए गए अधिकार, ईश्वरीय दी गई सामर्थ्य के रास्ते तुम्हें कोई उद्देश्य परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पूरा करना है। आज इस अभिषेक को मैं अपने लिए लूंगा और कहूंगा हे पिता परमेश्वर, लो सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर वाले आचरण के लिए मुझे अभिषेक चाहिए। अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इस 9 प्रकार के अनुभव को पैदा करने के लिए हे परमेश्वर जो तेरी इच्छा है ना, मुझे पवित्र आत्मा दे और उसके द्वारा मैं अधिकार पाऊं और उसके द्वारा मैं शक्ति पाऊं और उस शक्ति के द्वारा ये 9 प्रकार के आचरण मेरे चेतन मन के अंदर में पैदा हो जाएं। इसे हम अभिषेक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एनॉइंटिंग। जो एनॉइंटिंग है ना अभिषेक, उसी अभिषेक को मसीहा कहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पहाड़ से 40 दिन की उपवास के प्रार्थना के बाद में आया, तो यशया की किताब के 61वें यशया की किताब में से वो अध्याय निकाला कि मेरा अभिषेक किया गया है अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुचलों को छुड़ाने के लिए, और गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और परमेश्वर की प्रसन्नता के राज्य का प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। Anointing is called the Messiah. इसका मतलब है मसीहा पवित्र आत्मा के 9 अनुभव हैं आज की तारीख के लिए। हम ले लें, वरदानों को छोड़ दो आप, the 9 divine experience is called the Messiah. और बाइबिल कहती है झूठा मसीहा,
झूठे मसीहे का मतलब होता है जो आत्मा के नो अनुभवों को आपकी जिंदगी के अंदर में आने से रुकावट पैदा करे, वही झूठा मसीहा है। यदि किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु और किसी भी स्थिति और किसी भी सिद्धांत और किसी भी कारण के कारण से यदि पवित्र आत्मा के नौ अनुभवों को आपकी जिंदगी में आने से रोका जा रहा है, वह संपूर्ण सिस्टम ख्रिस्त विरोधी है। और इसी को बाइबल कहती है कि सावधान। आज कितनी संस्थाएं हैं जिनके सिद्धांत में पवित्र आत्मा को हाथ पैर बांध के बांस से बांध दिया जाता है। आज कितने सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के अंदर में पवित्र आत्मा को खाई नहीं खा के जैसे पिचिक कर देते हैं ना, वैसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया है। आज कितनी आवश्यकताएं हैं जिनके कारण से हम उन आवश्यकताओं को जुटाने के लिए परमेश्वर की मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसकी एकता को, उसकी दया का बहिष्कार करते हैं और अपनी रोटी के लिए हम झूठ बोलने लगते हैं। आपको क्या समझ में आता है मसीहा कोई आदमी झूठा भवे झूठा मसीहा कोई व्यक्ति है जिसके कान में बाल है बड़े बड़े और नखून है और पैर उल्टे हैं भूत के समान और उंडे के समान सिर में सींग निकले हैं। सावधान बोला है, सावधान। आज विश्व की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा एक सलाह देता है, यदि आपके विश्वास के अंदर में पवित्र आत्मा को नो अनुभव पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ख्रिस्त विरोधी परिस्थितियां आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा के काम को अंदर आने से रोक रही हैं। आप कहीं ना कहीं दुरात्माओं के ट्रैप में हैं, उसकी पकड़ में चले गए। देयर इज अ डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस बिहाइंड। चाहे वह सिद्धांतवाद हो, चाहे वह संस्थावाद हो, चाहे वह लोभवाद हो, चाहे वह स्वार्थवाद हो, चाहे वह मैवाद हो, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा के नौ अनुभवों का बहिष्कार है, मान के रखिएगा ख्रिस्त विरोधी आत्मा आपके पीछे में काम कर रही है। इसलिए बाइबिल कहती है सावधान। जब यीशु मसीह के आगमन की बात चल रही है तो प्रभु जी का वचन कहता है सावधान, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। वो ये नहीं बोलेगा तुम यीशु का नाम छोड़ के और किसी दूसरे का लेने लगो, भवनालय में जाने के बजाय कहीं और चले जाइएगा। इतनी भारी गलती शैतान नहीं करेगा। कान खोल के सुना, जो ये क्रूस जो लटका है ना बिल्डिंग के ऊपर में, उसी के दरवाजे से अंदर जाते हो, वह तुमको और किसी दूसरे निशान की ओर नहीं ले जाएगा। जाइए जाइए, तालाब की मछली जाएगी कहां? किसी न किसी बिल्डिंग में आराधना करो, किसी न किसी संस्था में आराधना करो। शैतान को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु उसकी दिलचस्पी यह है, ए खबरदार, पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति, उसकी धीरज, उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसका विश्वास, उसका नम्रता, उसका संयम तुम्हारे अंदर व्यवहारिक रूप में नहीं आ जाए, नहीं तो ऐसी वाली कहानी तुम चेतन से अवचेतन में लिख दीजिएगा तो मेरी तो मेंबरशिप ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी आत्मा से। और इसी आधार पर तुम्हारी आत्मा को यीशु लाएगा और सुखलोक में ले जाएगा, जैसे इब्राहिम को ले गया था। और एक बार सुखलोक में इब्राहिम की गोद में चले गए तो दूसरे आगमन में आपकी आत्मा को वहां से लाएगा ही लाएगा और आपके मुर्दे को जिंदा करेगा ही करेगा। जब आप सुखलोक में चले ही गए तो आपके शरीर का जी उठना, उसका रिजर्वेशन पक्का हो गया। बोलो यीशु प्रभु की। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से आकर के हों कहेंगे मेरे नाम से कि मैं मसीहा हूं और बहुतों को भरमाएंगे। भरमाने का मतलब है पवित्र आत्मा के काम को रोक देने वाला तंत्र, दैट इज कॉल्ड द एंटीक्राइस्ट। जी हां, आज आपके दिमाग के सारे ताले जरूर खुलेंगे, बशर्त कि आप उठ के मत जाना। याद रखना आज आखिरी रात है मेरे प्रियो। आज प्रभु का दिल रो रहा है, तड़फ रहा है, बेचैनी से आने के लिए कलीसिया की तैयारी का इंतजाम कर रहा है। जरा हम थोड़ा सा हाथ पैर और फैलाएंगे और ख्रिस्त विरोधी तंत्र के बारे में जो यीशु के आगमन के पहले कलीसिया के ऊपर में हमला करेगा, उसकी सच्चाई हम आपके सामने बताना चाहते हैं। जरा देखिएगा, यहेजकेल की किताब में आ जाते हैं, ठीक है ना। यहेजकेल की किताब और उसका नौवां अध्याय,
और यहां बाइबल कहती है तीसरे पद से, यहेजकेल 9:3 से लिख लीजिएगा, बाद में घर में पढ़ते रहना। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिस पर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर आया था, और उसने उस सन के कपड़े पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य घृणित काम, इंग्लिश में घृणित काम को लिखा है जो समझदार है, एबोमिनेशन, घृणित काम को अंडरलाइन कर लेना, यही है काम की चीज, घृणित काम करने के कारण, घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उसके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, जिसको पहले स्वर्गदूत ने अपनी कमर में लटकी दबात के द्वारा उनके माथे पर लगा दिया है ना, उनके माथे पर चिन्ह हो, उसके निकट नहीं जाना, और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो, याजकों से शुरू करो। और उन्होंने उन पुरनियों से जो धर्म के ठेकेदार थे उनसे आरंभ किया जो भवन के सामने रहते थे। पिन पॉइंट, दो स्वर्गदूत हैं, एक स्वर्गदूत ने कमर में दवात लटका के रखा है और वह यरूशलेम में घूम रहा है, और उस यरूशलेम के अंदर एक घृणित काम हो रहा है, जरा ध्यान देना, एबोमिनेशन, घृणित काम, और घृणित काम होने के कारण से जितने लोग घृणित काम नहीं करना चाह रहे हैं, जरा सुनना भाईजान, जो लोग घृणित काम नहीं करना चाह रहे हैं तो घृणित काम करने वाले उनको सता रहे हैं। जरा बाइबल को बहुत स्पष्टता से समझिएगा, लोग जो घृणित काम नहीं कर रहे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। इससे मुझे पता चलेगा जो घृणित कामों में सम्मिलित नहीं होने के कारण सताए जा रहे हैं, इससे मुझे पता चलता है कि वे मुझको प्यार करते हैं, संसार को नहीं। इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं सच्चाई के पथों पर चलने से तुम्हें विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और यदि तुम विपत्तियों का सामना करने के बावजूद भी लगातार परमेश्वर को प्यार करने वाले मामले को अपनी जिंदगी में बनाए रखिएगा तो प्रभु को कंफर्म हो जाएगा, यह मेरा बेटा है, मुसीबत में भी मुझे प्यार कर रहा है, इसका मतलब इसका प्यार कंफर्म है कि वो प्यार करता है। तब दूत को कहेगा इसके माथे पर मोहर लगा दो। आज इस संसार के अंदर में भी घृणित काम हो रहा है, एबोमिनेशन हो रहा है। एबोमिनेशन के लिए आज हमारे पास में एक बहुत सरल आसान रास्ता है, ये छोटा सा टुकड़ा 20 ग्राम वाला एबोमिनेशन। और जो लोग इस घृणित कामों में संलग्न हो गए उनको छोड़ देना, और जो लोग इस घृणित कामों को नहीं कर रहे थे तो संसार ने उनको सताया, और उसके बाद भी वे सताए जाने के बाद भी घृणित कामों के साथ में एग्रीमेंट नहीं किए उन लोगों ने। इससे मुझे पता चल जाएगा
कि ये मेरे लोग हैं। और स्वर्गदूत को बोलता है जाकर के उनके माथे पर मोहर लगा दे, याद रखिएगा। फिर दूसरे स्वर्गदूत को बोला, जिस पहले स्वर्गदूत ने जिनके जिनके माथे पर मोहर लगा दिया है ना, उनके पास दूसरे स्वर्गदूत तुम जाना नहीं। परंतु दूसरे स्वर्गदूत को बोला गया कि तुम जाओ और मेरे निवास स्थान में, मेरे भवन में, याजकों के माथे में सबसे पहले देखना मोहर लगी है कि नहीं, फिर उसके बाद में कमेटी मेंबर के पास आना, फिर उसके बाद में यूथ के पास आना, फिर उसके बाद में क्वायर के पास में आना, फिर उसके बाद में चर्च मेंबर के पास आना। जरा हाथी समान कान खोल के सुन लीजिएगा, यदि किसी के माथे पर मोहर होगी तो मृत्युदूत उनके दरवाजे नहीं जाएगा। यदि किसी ने अपने माथे पर मोहर नहीं लगवाया और लापरवाह रहा है तो ये दूसरा स्वर्गदूत हम पर रहम नहीं करेगा। बूढ़े, युवा, बच्चे, कुंवारी, सबको मार के नाश करो जिनके माथे पर मोहर नहीं है, याद रखिएगा। अब आपको थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं, ये घृणित काम क्या है, ठीक है। ये फिर से वापस आ जाए मत्ती की किताब में और उसके 24 अध्याय के 15वें पद में, जरा देखें। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु कहना तो पड़ेगा। 15वें पद में लिखा है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, जो पढ़े वह समझे। फिर यहां पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, अब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को अंग्रेजी में फिर देखें तो वहां लिखा है एबोमिनेशन, मतलब दुष्टता, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, पवित्र आत्मा के काम को मनुष्य के जीवन में आने से रुकावट करने वाला तंत्र, चाहे वह मसीही सिद्धांत हो, कलीसियाई सिद्धांत हो, रोटी कपड़ा की लालच हो, या कुर्सी की लालच हो, या मेरा तेरा का हिसाब किताब हो, जहां कहीं भी पवित्र आत्मा के नौ अनुभवों को मसीही जीवन के अंदर में आने से रुकावट पैदा करे, वो एबोमिनेशन है। यही है घृणित वस्तु। जब कभी तुम घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, कलीसिया के अंदर खड़ा हुआ देखो। अब ये डानियल भविष्यवक्ता है। अब डानियल बाबा ने ये बातें कहां लिखी थी, जरा देखें डानियल की किताब और उसका 9वां अध्याय, ठीक है कि ना। डानियल 9वें अध्याय पर जब हम जाते हैं और उसके 27 पद में, तो हमें इस घृणित वस्तु के बारे में पता चलता है। जरा देखें ये घृणित वस्तु क्या है, ख्रिस्त विरोधी क्या है। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा और आधे ही समय में बीतने पर वह मेल बलि, अंडरलाइन मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, जिसके निश्चय से फानी हुई बात के समाप्त, बात के समाप्त होते ही होने तक परमेश्वर का क्रोध है उजाड़ने वाली वस्तु पर पड़ेगा। वाह, यहां पर लिखा है एक सप्ताह अर्थात 7 दिन। 7 दिन का मतलब होता है 7 साल। ये घृणित वस्तु ख्रिस्त विरोधी है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा के काम को रोका जाएगा। और ये जो है उस समय प्रारंभ होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। ध्यान दे लेना, हम बहुत गहराई से इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, समझ सकते हो, समझ लीजिएगा, हमारे हाथ में आधे घंटे और है। बाइबल का परमेश्वर कहता है
यीशु आएंगे तो सुख लोक से सारी आत्माओं को लेके आएंगे, और इसके बाद में वे मध्य आकाश में रहेंगे, और जितनी आत्माएं उनके साथ इब्राहिम की गोद से आई हैं वे सामने रहेंगे और कहेंगे, मृत्यु इनके शरीरों को छोड़ दे। इसलिए लिखा है पहला तिस्लोनिकियों 4:16 में कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय तीन चीज होंगी। नंबर वन, ललकार, तो वह मृत्यु को ललकारेगा, इनके शरीर को छोड़ दे। नंबर टू, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, उस दूत के द्वारा वे आत्माओं को बोलेंगे अपना अपना शरीर पहनना, मियां का शरीर बीबी नहीं, बीबी का शरीर मियां नहीं, मैं अपने पत्नी का शरीर नहीं पहन लूंगा, नहीं तो आवाज रहेगी लड़की का और दिखूंगा लड़की के समान। याद रखिएगा, मैं अपना तन पहनूंगा जिसको माटी के कीड़े खा गए। वहां से ललकार के कारण है शरीर को वो जीवित करेगा, क्योंकि ललकार मौत को ललकारेगी और शरीर जिंदा हो जाएगा, जैसे यीशु के जी उठने के बाद में वो जैसे यीशु कब्र में से आए वैसे ही मुर्दे पवित्र लोग जी उठे और यरूशलेम में जाकर के गवाही दिए कि हम पुनरुत्थान की गवाही देने के लिए आए हैं। ऐसी घटना होगी, याद रखिएगा। ये मुर्दे केवल वही लोग होंगे, ये सुखलोक में जाने वाले लोग केवल वही लोग होंगे जिन लोगों ने आत्मा के नो अनुभवों को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेतन मन के द्वारा अवचेतन में अमर कर दिया है। हमारी सटीक भाषा को सुन लीजिए, आगे चलिए, काम बहुत है आगे। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को अपने मन के बदलाव के लिए अनुमति नहीं दिया, उनके मन से घास काट और पूस के रद्दे आत्मा में लिखे जा रहे हैं खैनी बीड़ी के द्वारा। जरा ध्यान दें, बाइबल का परमेश्वर कहता है जब यीशु आएंगे तो मृत्यु को ललकारेंगे, प्रधान दूत के शब्द हर आत्मा के प्रधान दूत के शब्द के साथ हर आत्मा को अपना अपना तन पहनने का आज्ञा देगी। मृत्यु के समय निकली वाली आत्मा और प्राण अपने अपने तन को जो अमर बन गया हो उसको पहनेंगे, और जब ऐसा निकल के कब्रस्थान से बाहर आएंगे तब प्रभु तुरही बजाएगा। प्रधान दूत के शब्द के बाद में तुरही बजाई जाएगी और वहां होगा मतलब आए मृत्यु तेरी जय कहां रही। मृत्यु का डंक पाप था और पाप का बल व्यवस्था था, परंतु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा मृत्यु पाप और पाप के डंक को नष्ट किया, और देख मरे हुए को मैंने जिंदा कर दिया। और ये सारे लोग ऐसे करके टर 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 की आवाज से यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में मिलेंगे और हम सब पिता के घर पहुंच जाएंगे और अमर अमर काल तक वहां रहेंगे। अरे जोरदार ताली मारो ना। यदि इतनी बातें हम अन्य जातियों को कह देते तो आधे घंटे रोकना पड़ता हमको, ताली अब मत मारिए हमारा समय जा रहा है। हम ऐसे इन बहुमूल्य मोतियों को ऐसे सुन ले रहे हैं सर जैसे कोई जोश ही नहीं है। चलिए आगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यीशु जी उठे, यीशु ने कलीसिया को जिंदा कर दिया, ऊपर ले गए, तब 7 साल का महाक्लेश काल होगा, 7 years tribulation। और इस 7 साल के महाक्लेश काल के अंतर एक व्यक्ति धरती पर जन्म लेगा। सुनो जरा, वो भौतिक रीति से एक इंसान की कल्पना है जो सारी दुनिया को अपने अधिकार में ले लेगा। अब हम थोड़ी सी राजनीति, वर्ल्ड वाइड राजनीति में भी आ जाएंगे, पॉलिटिक्स में। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 13वें अध्याय में आ जाएं, जरा देखना। हाँ, अभी यीशु ने कलीसिया को ले गया, जिसने 7 साल के महाक्लेश काल को समझ लिया ना, वो यीशु मसीह के आने के 7 साल पहले से घंटी बजाने लगेगा, याद रखना। 13वें अध्याय को पढ़िए। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। ये पशु जो है ना, एक सरकार है, एक तंत्र है, एक राज्य है, एक किंगडम है,
एक पशु को मैंने निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग थे। बोलिए 10 सींग, जोर से बोलिए ना। 7 सिर, जिसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उनके सिर पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। एक पशु मैंने समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये पशु एक सिस्टम है, ये पशु एक साम्राज्य है, पशु एक ऐसा माध्यम है जो इस सारे संसार के ऊपर में राज्य करने जा रहा है। डानियल ने एक सपना देखा था, मैंने एक विशाल मूर्ति देखी, उस मूर्ति का सिर जो था ना वो सोने का था, उसकी छाती और बाहें जो थी ना वो चांदी की थी, उसके हाथ उसके पैर जो थे वो पीतल के थे, ये जांग, और उसके घुटने के नीचे का जो पैर था ना वो लोहे का था, और उसके जो पंजे थे आधे मट्टी के थे आधे लोहे के थे। याद रखिए, ये सोने का सिर नबूकदनेस्सर तेरा राज्य है, चांदी का राज्य फारसी और मादी का राज्य है, ये पीतल का मार्ग ये ग्रीस का मार्ग है, राज्य है जो सारी दुनिया में फैल गया, और ये पैर जो लोहे के थे वो रोमन साम्राज्य था जो सारी धरती पर फैल गया, परंतु उसके पंजे जिसमें 10 नखून 10 उंगलियां थी उसमें से आधी मट्टी की थी और आधी लोहे की थी। आपको मालूम है, सिर का जमाना गया, छाती का जमाना गया, पेट का जमाना गया, पैर का जमाना गया, अब हम पंजे के जमाने में हैं, जिसको यूएनओ गवर्नमेंट कहते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो सारी दुनिया के ऊपर में कायम, पहले नबूकदनेस्सर के राज्य में सूरज नहीं डूबता था, फिर फारसी और मादियों के राज्य में सारी दुनिया का साम्राज्य था, फिर ग्रीस का राज्य था, फिर रोमन साम्राज्य था, और अब जो है यूएनओ गवर्नमेंट है। ये जो यूएनओ गवर्नमेंट है ना, जो वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट है, बाइबल का परमेश्वर कहता है इसके 10 सींग है और 7 सिर है। आपको मालूम होवे, अभी 2015 को सितंबर महीने के 13 तारीख को इज़राइल के ऊपर सूर्य चांद पूर्ण रीति से लाल हो गया, और 13 सितंबर 2015 को सूरज काला हो गया और 28 सितंबर को चांद लाल हो गया, और ये दोनों दिनों में यहूदियों के पवित्र पर्व थे, अखमीरी रोटी का पर्व था और तंबू का पर्व था, और जब कभी भी इसराइलियों के पवित्र पर्वत पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है धरती पर तबाही के संकेत दिखाई देते हैं। सन 1400 में यहूदियों के पर्व में चांद लाल हुआ था, तब फ्रांस के राजा इंसबेला ने इसराइलियों को कहा था कि रोमन कैथोलिक मत स्वीकार कर लो, यहूदी मत त्याग करके, और यदि तुम यहूदी मत त्यागने को तैयार नहीं हो तो इज़राइल छोड़ के चले जाओ, और यदि तुम वो भी ना करो तो मौत का सामना करो। 1,65,000 लोगों ने इज़राइल छोड़ के अपना मत त्यागने के बजाय देश से निकल के चले गए। 50,000 लोगों ने अपना मत बदल दिया और यहूदी मत को त्याग कर रोमन मत को स्वीकार कर लिया, और जो लोग उन्होंने इन दोनों पथों का सामना नहीं किया उनको जिंदा क्रूस पर लटका दिया गया। एक ही दिन में इज़राइल तबाह हो गया। यह उस समय हुआ जो सन 1400 में यह घटना घटी थी, और इन 1400 में 1400 सन 1400 32 एडी में यह घटना घटी थी। चलिए, दूसरे बार चांद लाल हुआ सन 1947 में, 48 में, उस समय भी यहूदियों का पर्व था और
उस सन 1948 की 14 अप्रैल 14 मई को जानकारी मिले, उसी दिनों के बाद से उसी वर्ष में जितने भी इजरायली संपूर्ण विश्व में थे उनको वापस लौटने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और इजरायल एक ही दिन में बस गया। जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे बार 1967 में एक बार फिर अखमीरी रोटी के पर्व में चांद लाल हुआ था जून महीने में। उस समय यह हुआ कि फिलिस्तीनियों ने इसराइल के ऊपर हमला किया और उसके कारण से भयानक खून खराबा इसराइलियों के ऊपर में हुआ, लाखों इसराइली मौत के निवाले हो गए। और याद रखें, जॉर्डन इसराइल से अलग होकर के दूसरा देश बदल गया, इसराइल का विभाजन हो गया। और इसके बाद में फिर 2014 के 15 तारीख को हल्का सा चांद लाल हुआ, 8 अक्टूबर को हल्का सा चांद लाल हुआ, परंतु सितंबर 28, 2015 को पूर्ण रीति से चांद इसराइल के ऊपर में लाल हो गया। 3 बार ब्लड मून हुआ है, याद रखना। और ठीक 13 अक्टूबर 2015 जिसमें सूरज काला हो गया था और 28 अक्टूबर को चांद लाल हो गया था, इस बीच में सारे विश्व के लोग अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा होकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर में सिग्नेचर करने के लिए तैयार बैठे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर थे और उन्होंने सारी दुनिया की एक सरकार बना ली। और उसी दिन उन्होंने एक सिक्का जारी किया और उस सिक्के के पीछे में पूरी दुनिया का नक्शा था और उसमें 10 नंबर डले थे। एक नंबर जरूशलेम में, दूसरा नंबर रोम में, तीसरा नंबर अमेरिका में, चौथा नंबर रशिया में। इस तरीके से सारी दुनिया को 10 भागों में विभाजित कर दिया, 10 कॉन्टिनेंट्स। ये 10 कॉन्टिनेंट्स में से 10 नेताओं को चुन लिया गया। जरा ध्यान देना, ये वर्ल्ड वाइड राजनीति है। यीशु के आगमन का समय जितना निकट है ना, बाइबल में यीशु के चेलों ने पूछा था तेरे आने का निशान बता दे, अभी तो हम एक ही निशान बता रहे हैं, ऐसे 2500 निशान है। अब घर जाना भूल जाइएगा, नौकरी छोड़ दीजिएगा, यीशु के आगमन की तैयारी करने लगिएगा। इतने डेंजर जोन में आज विश्व खड़ा हुआ है, तुमको तो लव यू का नशा लगा हुआ है। बाइबल का प्रभु कहता है सितंबर के 2015 में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर में तमाम लोगों ने सिग्नेचर कर दिए, 10 कॉन्टिनेंट्स में से 10 प्रतिनिधि चुन लिए गए। बाइबल कहती है मैंने समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा और उस पशु के 10 सींग थे। ये पशु वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट है जिसके 10 प्रतिनिधि खड़े हो गए और इन 10 प्रतिनिधियों ने एक गवर्निंग बॉडी बनाई जिसमें 7 राजाओं का चुनाव किया गया। लिसन मी केयरफुली, 10 सींग थे और उनके 7 सिर थे। ये 7 सिर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में 10 कॉन्टिनेंट्स के लोगों ने, जिनको प्रतिनिधि बना के खड़ा किया था, इन 10 लोगों ने अगले 7 लोगों का चुनाव किया। इस तरीके से सारी दुनिया की एक सरकार बन गई और उस सिक्के में 10 नंबर डले थे और इस सिक्के के दूसरे तरफ में एक पैरामिड था और पैरामिड में एक आंख लिखी, एक आंख बनी है और उसमें से रोशनी निकल रही है और इस सिक्के में लिखा है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपको मालूम है 2015 में ये पशु समुद्र में से निकल के बाहर आ गया है, ये पशु समुद्र में से निकल के बाहर आ गया है। यह भविष्यवाणी 13 की पूरी हुई जिसके सिर के ऊपर में लिखा है निंदक का नाम, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का बनाया जाना सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है, जिससे कि इस ग्रह के अंदर में रहने वाले मनुष्यों के अंदर
होने वाले पवित्र आत्मा के काम को किस उपाय से रोका जाए। लिसन मी वेरी केयरफुली, वे केवल इस बात के लिए तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि इंसान को अपनी पूरी शक्ति से ए सारी सरकार एक व्यक्ति का चुनाव करेगी। यह होगा नेपोलियन और हिटलर के समान एक ऐसा तानाशाह शासक जो सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। 2000 में एक प्रस्ताव पारित हुआ यूएनओ गवर्नमेंट ने, हमें एक ऐसे पुरुष की जरूरत है जो सारी दुनिया की सरकार, सारी दुनिया को अपनी कुशाग्र बुद्धि से चलाए, चाहे वह शैतानियत से आता हो या खुदाइयत से आता हो, उसको स्वीकार करने में देरी नहीं होनी चाहिए। जानकारी मिले, यह प्रस्ताव 2000 में पारित हो गया था, 2017 के अंदर में उस व्यक्ति का चुनाव हो गया है। और वो वर्ल्ड, आपको मालूम है यूएन गवर्नमेंट के अंदर में जनरल सेक्रेटरी अभी काम करते हैं फाइनल अथॉरिटी के रूप में, और आज तक यूएन के पास में प्रेसिडेंट नहीं था। और सितंबर 15, 13 से लेकर 28 के बीच में उस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया है जो 144 नंबर सीट में आके बैठ गया है। आपको जानकारी मिले, अब हमारी दुनिया में हिटलर के समान एक ऐसे तानाशाह शासक की सीट भर दी गई है जो इस दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की आग में ढकेल देगा। हम सो रहे हैं, सावधान। एक ऐसा तंत्र तैयार हो रहा है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव भालू के से थे और उसका मुंह सिंह का सा था, और अजगर ने अर्थात उसे लूसीफर ने अपने सामर्थ्य और अधिकार और सिंहासन, लिसन मी केयरफुली, नंबर वन सामर्थ्य, नंबर टू सिंहासन, नंबर थ्री अधिकार उसको दे दिया, और मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा कि वह मरने पर था। एक मिनट रुके जरा, धड़कन तेज हो जाएगी। उसके सिर में घाव था, मौत का घाव। मेरा आपसे एक प्रश्न है, किसने उसको मौत का घाव दिया था? उसके सिर में किसने मारा था तलवार? यीशु। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। फिर उसके बाद मैं कहा, मैं पिता के पास में जाता हूं और पिता से मैं विनती करूंगा कि मैं तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हारे अंदर में स्वर्ग जाने की टिकट काट देगा। और जिस दिन पिंतकूस के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा ना, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और इसके बाद में इन 120 लोगों ने जब जा करके यीशु की कहानी दूसरों को बताई ना, तो पत्रस के एक संदेश से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, दूसरे संदेश में 5000 हो गए, तीसरे संदेश में गिनती खत्म हो गई। उस जमाने में जब पवित्र आत्मा ने काम शुरू किया ना, तो लोग अपनी संपत्ति बेच करके प्रेरितों के चरणों में डाल देते थे और उनकी वस्तुएं साझा की थी, और उसमें से कोई गरीब नहीं था। एक जमाना था जब पवित्र आत्मा ने काम शुरू किया ना, तो लोग अपनी संपत्ति बेचते थे और प्रेरितों के चरणों में लाते थे। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज अपनी संपत्ति बेच करके लोग भवन में लाते हैं कि भवन से माल लेके अपना घर बनाने के लिए ले जाते हैं? जरा सोचे, आज संस्थाओं में लूट खसोट चल रही है, या संस्था को लोग अपने घर और संपत्ति बेच बेच के लाके दे रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कौन सी वाली आत्मा आज कलीसिया के अंदर काम कर रही है। यह वो घाव था जो पवित्र आत्मा ने उस शैतान के सिर में दिया था। याद रखिएगा, एक तलवार चली पुनरुत्थान के दिन में, पिंतकूस के दिन में उसके सिर पर घाव लग गया, परंतु बाइबिल का परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में उसका घाव अच्छा हो जाएगा, अंत के दिनों में उसके सिर घाव अच्छे हो जाएंगे।
क्योंकि लूसीफर ने अपनी सामर्थ और सिंहासन और अधिकार उसको दे दिया, और मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव देखा जो मरने पर था, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले, उन्होंने अजगर की पूजा की। ये कौन है अजगर? ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है जिसका एक ही उद्देश्य है कैशलेस इकोनॉमी। और आपको जानकारी मिले, हमारे भारत देश के अंदर में जो कैशलेस इकोनॉमी शुरू हो गई है, सारे नोटों को बंद करने का जो अभियान चला हुआ है, ये और कोई नहीं उसी तंत्र के हिसाब के एक तार है। खैर उस पर मत जाइए, हम बहक जाएंगे। आपको फुर्सत से बैठना चाहिए कलम पेंसिल लेकर के। आगे हम चलते हैं। उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? अर्थात आज के युग में पवित्र आत्मा के वो काम जो पिंतकूस के दिन में देखे जाते थे, आजकल पेंटिकॉस्टल चर्च में देखे नहीं जाते। बाकी की बात करना बंद कर दीजिएगा। एक जमाना था जब लोग अपना घर और संपत्ति बेच करके प्रभु के चरणों में लाते थे। आज हमको ये दर्शन हो गया है कि चर्च हमारे पापा के लिए बक्सा बना के दे। आज 99% लोग संस्थाओं को देख रहे हैं भूखे और प्यासे होकर के, संस्थाएं हमें पैसा देंगी। एक जमाना था जब दुनिया संस्था को पैसा देती थी, आजकल संस्थाएं लोगों को पैसा देते हैं। एक दिन अपना घर बेचते थे, जमीन दे देते थे प्रभु को, आज हम संस्था के पैसे से जमीन खरीद रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन सा वाला पवित्र आत्मा काम कर रहा है? लिसन मी केयरफुली। एक जमाना था जब लोग अपना घर द्वार छोड़ देते थे मसीह के नाम पर, आज लोगों को डंडा पड़ता है, हम विश्वास खो देते हैं। इसलिए आज कलीसियाएं भी क्या करती हैं, घर घर गाड़ी भेजती हैं, चर्च चलो, और जिस चर्च में गाड़ी ढोने के लिए रहती है उस चर्च में भीड़ ज्यादा रहती है। और फिर होता यह है, अब आप आ ही गए हैं तो खाना खा के जाना, रविवार के दिन खाना बनाने की झंझट खत्म करने के चक्कर में भीड़ भड़क का ज्यादा रहता है। मैं सारी दुनिया का भ्रमण करके आपको बता रहे हैं। अभी कई भारत में भी यह शुरू हो गया, जिस मीटिंग में खाना मिलता है उसमें एक भी चेयर बैठने के लिए नहीं मिलती है। शाम का हिसाब हो गया, चलो ये दाढ़ी वाला क्या दाढ़ी हिलाएगा, कुछ समझ में आवे और मत आवे भैया, शाम का तो खाने का इंतजाम हो गया, चलो घर में सोते हैं, कुर्सी में बैठ के सो लेंगे। दिस इज द कन्वेंशन। मुझे बताइए कौन सी रूलिंग है, कौन सी आत्मा काम कर रही है? क्या पवित्र आत्मा वो जो पिंतकूस के दिन में था? क्या आज उस पवित्र आत्मा का बहिष्कार कलीसिया ने नहीं कर दिया? उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। एक जमाना था जब लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, आज जमाना हो गया है, जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, और मट्टी उचटा के कहते हैं तेरा सफेद कपड़ा हो बर्बाद, मेरा तो ठीक ही है। आज संस्थाएं एक दूसरे को शिकायत कर रही हैं, आज संस्थाएं एक दूसरे की बुराई कर रही हैं, आज एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत के ऊपर में पत्थर फेंक रहा है। कहां है मेरे प्रभु का प्यार? कहां है वो पवित्र आत्मा की वो मोहब्बत जिसमें पतरस को प्रभु जी ने पूछा, क्या तू मुझको प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूं। प्रभु जी ने कहा, जो चेला जो गुरु जी को प्यार करता है वो वाला तू प्यार करता है? मैं चेला गुरु वाला प्यार की बात नहीं करता, मैं अगापे वाले प्यार की बात करता हूं। इसी कारण से पतरस तीसरे प्रश्न में निराश होकर कहने लगा, प्रभु तू जानता है दिमाग खराब हो गया, एक ही प्रश्न को तीन बार पूछता है, अकल नहीं है तेरे पास। वाई द डिप्रेशन इज? उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा का आंदोलन मानो समाप्त सा हो रहा है। मुझे कहना चाहिए ये पशु का उदय हो गया है, जिसका उद्देश्य है आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा के काम का अंत कर डाले। मेरे प्रियो, आज क्यों हम विभाजित हैं संस्था पर? आज हम क्यों विभाजित हैं सिद्धांत पर? आज एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के साथ हाथ बांध के खड़ी क्यों नहीं है? कौन सा वाला अभिषेक हमारे ऊपर में है?
यदि आज सिद्धांतवाद की दीवारें खड़ी हैं, आज कलीसियावाद की सिद्धांत खड़ी हैं, यदि आज स्पिरिचुअल वॉरफेयर कम डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर ज्यादा हो रहा है, तो मान के रखिएगा कि कोई है जिसका प्राण घातक घाव, जिसको यीशु ने पिंतेकोस के दिन में दिया था, उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो जा रहा है। इसका मतलब बर्बादी की बटन हमारे लिए दब चुकी है। इसलिए आप 2017 के बाद में देखेंगे लगातार कलीसियाओं में जो मंदी आई है, पवित्र आत्मा के वरदानों में जो पहल की कमी आई है, वो देखते बनता है। खैर, हम बहुत ज्यादा गहराई में चले गए हैं, इतना नहीं जाना चाहेगा मेरे प्रियो। ये है वो चिन्ह है जो यीशु के आगमन। अब जरा जल्दी से बता दें क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचा है। जो कुछ यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के बाद में 7 साल का जो महाक्लेश काल होगा ना, उसमें जो जो घटनाएं घटेंगी, ख्रिस्त विरोधी होगा, झूठा भविष्यवक्ता होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और दुनिया के अंदर में पवित्र वस्तु, पवित्र स्थान में कंगूरे पर घृणित वस्तु बैठती हुई देखो, इसका सीधा सीधा संबंध यरूशलेम से है। आपको मालूम होवे, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था ना, वो 70वीं AD में गिरा दिया गया, और उसके बाद से इस्माइलियों ने वहां अपना गुंबज बना लिया, मॉस्क बना लिया। नीचे तो महापवित्र स्थान है, और आंगन में और पवित्र स्थान में इस्माइलियों ने अपना मंदिर बना लिया, ठीक है। और इजरायली लोग वेलिंग वॉल में, रोने वाली दीवार में काली टोपी पहन के दुआ कर रहे हैं, आय पिता परमेश्वर, हमको आंगन और पवित्र स्थान जिसको अन्य जातियों ने अपने लिए ले लिया है, हमको वापस लौटा दे, जिससे कि हम वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था हम फिर से बना सके। ट्रंप ने जो कुछ भी लास्ट ईयर कदम उठाए पूर्वी जरूशलेम के लिए, ये एक एक संकेत है। उधर मत जाइए, हमारे पास टाइम नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मॉस्क ढाई जाएगी और वहां वही मंदिर बनाया जाएगा जो सुलेमान ने बनाया था। पर आपको मालूम है, जब तक यीशु आकर के कलीसिया नहीं ले जाएंगे, तब तक उस मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, जब मैं मंदिर बन गया हूं तो यह सुलेमान के मंदिर का क्या काम है। इसलिए 70वीं AD में, 50 साल के बाद में वो मंदिर ढा दिया गया। और जब तक कलीसिया इस धरती के अंदर रहेगी ना, तब तक उस मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। इसका मतलब है यीशु आएगा, इस मंदिर को उठा के ले जाएगा, तब वो यरूशलेम का मंदिर बनेगा। और उसमें कौन अनुमति देगा मालूम है क्या? जैसे ही मंदिर उठाया जाएगा, जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, करोड़ों लोग इस धरती से गायब हो जाएंगे, उसी समय एक शासक आकर के प्रत्यक्ष रीति से खड़ा हो जाएगा, जो नेपोलियन और हिटलर के समान होगा, और कहेगा चिंता मत करो, दो दो फ्लैट रखो, कार भी रखो, पेट्रोल 70 में बिकता था 6-6 रुपए में लेके जाइएगा। हम सब उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर देंगे। और आप मालूम है उसकी मूर्ति क्या है? ये है मूर्ति, ये मूर्ति बोलने लगेगी। आने वाले पिछले 10 सालों में जो एडवांस, ये जो है ना छोटा सा, इसी में व्हाट्सएप, इसी में ईमेल, इसी से पैसा जावे, इसी से पैसा आवे, इसी से जमीन रजिस्ट्री होवे, इसी से तुम्हारी टिकट मिले, इसी से तुम लव यू करो, इसी सब कुछ इसमें समा गया। और गूगल ने यह कह दिया है, अभी तुमको इतना बड़ा वजन लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा उपाय कर देता हूं। क्या? इटालियन कंपनी ने एक छोटा सा चावल के दाने के समान एक डिवाइस बनाया है, जिसको कहते हैं RFID चिप, अर्थात रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जो आपके हाथ में, सीधे वाले हाथ में लगा दिया जाएगा, और ज्यादा ही रही सो तो आपके माथे पर एक पतली सी पन्नी जैसे जो चमड़े के अंदर सिल दी जाएगी, जो समझ में नहीं आएगी, यही मोबाइल होगा। आप ऐसा देखिए तो बैंक कहेगा कितना चाहिए, आप टाइप भी नहीं कीजिए,
₹100 चाहिए, ऐसे बस खड़े होने की जरूरत है, मोबाइल आपका ना वो पैसा मिल जाएगा, सब कुछ यहां से हो जाएगा, आपका बायोडाटा होगा। ये RFID चिप जो आपके सीधे हाथ में लगा दी जाएगी, आपको मालूम होवे यही है पशु का अंक। 13वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल दास स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में और उसके माथे पर एक छाप कर दी, और उसको छोड़ जिस पर यह छाप थी अर्थात पशु का नाम और उसका अंक था, उससे कोई लेन देन नहीं कर सकता था। अब आपकी बीबी का कार्ड आपके हाथ से काम नहीं आएगा, क्योंकि बीबी के हाथ में ऑलरेडी कार्ड है, इसलिए बीबी को आए एटीएम मशीन के पास जाना पड़ेगा। आज हस्बैंड बोल देता पत्नी को ये नंबर ले जा और पैसा निकाल के ले आ, और आप जो पत्नी के बैंक को खाली कर देते हो ना रात ही रात में, ये चोरी चपाटी बंद हो जाएगी, क्योंकि पत्नी के हाथ में वो चिप लगी रहेगी, और यदि तुमको चोरी करना तो पत्नी का हाथ काट के मशीन के पास ले जाना पड़ेगा, कोई दूसरा उससे लेन देन नहीं कर सकेगा। ज्ञान इसी में है और बुद्धि इसी में है। उस पशु का अंक जोड़ लो और उसका अंक है 666, ये है अंक। आपके पास एटीएम कार्ड तो हो गई होगा, एटीएम कार्ड में एक बीच में एक काली पट्टी लगी है, आपको मालूम उस पट्टी के अंदर में क्या लिखा हुआ है? ये जो जितने भी गवर्नमेंट है ना, पैसा उनका नहीं है, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट का हो, इंडियन गवर्नमेंट का हो, चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट बैंक हो, स्टेट पंजाब बैंक हो, पैसा इनका नहीं है। पैसा जो है ना एक सीक्रेट सोसाइटीज है, जिसको जो जो गुप्त संस्था है उसका है, और सारी सरकार उससे बैंक लोन लेती है, जिसको इलुमिनाटी कहते हैं। इलुमिनाटी एक गुप्त संस्था है जो सारी दुनिया को पैसा देती है, और उस इलुमिनाटी ने जब सबसे पहले बैंक के जो चेक बनाए थे ना, उसमें नंबर शुरू हुआ था 666, इंडिया का कोड, फिर बैंक का कोड, फिर जिस व्यक्ति का नाम है उसका। तो बहुत से मसीही लोगों ने 666 का बहिष्कार किया, तब उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? कोई बात नहीं, चेक बंद करो, हम कार्ड बना देते हैं। तो उन्होंने कार्ड बनाया और कार्ड के ऊपर में काली पट्टी चिपका दी, और उस काली पट्टी के अंदर में जो नंबर है ना बेटा, वो 6 और 6 और 6 से शुरू होता है। ये इल्यूमिनाटी का नंबर है, सीक्रेट सोसाइटी का। जब तक उस कार्ड में 666 नहीं होगा ना, तब तक एटीएम मशीन आपके कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर जिस देश का कार्ड है उस देश का नंबर आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा बैंक है उसका नंबर आएगा, फिर आपका नंबर आएगा, तब जाकर के एटीएम मशीन पैसा देती है। आपको मालूम है आप अपने जेब में 666 का नंबर लेके चल रहे हैं? आपको मालूम है इस मोबाइल का जो संबंध है, ये जो इंटरनेट है ना, इसका जो संबंध है सैटेलाइट से है, और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है, और जो मेगा कंप्यूटर है ना उसका नाम है द बीस्ट, और द बीस्ट का अंक है 666। अरे आपके हाथ में है 666, इसलिए तमीज से चलाना इसको। आपका पूरा ट्रांजैक्शन 666 से होता है, आपके पूरे सैटेलाइट जो है 666 से कंट्रोल होते हैं। तो धरती तो वैसे ही गुलाम हो गई है, यही कारण। अब मैं एक बात और बोलूं क्या, जितने बच्चे लोग अपने मामा पापा से इरिटेट होते हैं, देखो मोहल्ले में हमारे जितने भी दादा दादी नाना नानी पड़ोसी हैं ना, सबको मिलो तो वे क्या कहते, हाय दादा, हाय नानी, हाय अंकल, बाय 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 बाय। परंतु जैसे ही पापा आते हैं, दिमाग ए डैड आया रे, पीछे कर गली से भाग, दिमाग खराब करता बुड्ढा। जितने बच्चों के दिल में अपने मामा और पापा के लिए नफरत है, उनको नफरती बनाने के पीछे इस मोबाइल के द्वारा 666 की हरकत है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, जो जवान लड़के लड़कियां जितना ज्यादा वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं,
जितना ज्यादा कान में मोबाइल चिपका के रखते हैं, जितना ज्यादा बटन दबाते हैं, उनका 99.99% उनके मामा पापा से नफरत होगा। लिख लो लिख लो लिख लो, मेरे बेटे और बेटी, तू अपने बाप से अपने मां से नफरत इसलिए करता है, तू अपने बाप का अपमान और मां का अपमान इसलिए करता है क्योंकि तेरे माथे ने इस मोबाइल के द्वारा 666 का अंक लगा दिया है। और ये पहली आज्ञा है इफिसियों की किताब के 6वें अध्याय में, अपने मामा और पापा का आदर करना। ऐसा करेगा तो तू बहुत दिन जिएगा, और इसके साथ प्रतिज्ञा भी है और तेरा भला होगा, और यदि तू मां बाप का अपमान करेगा तो तेरा बुरा होगा। लंबे समय जिंदगी जीने के 40 साल में बुढ़ा हो जाएगा और तेरी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। और नीति वचन में 28 में लिखा, नीति वचन के 30-30 में लिखा हुआ है, ये जो मामा और पापा का अपमान करेगा उसकी आंखों को पहाड़ी के कौवे खोद खोद के खा जाएंगे और उकाब के बच्चे खा जाएंगे। और जो माता और पिता की बात को नहीं मानता है, बाइबल कहती है उसका दिया अंधेरा हो जाएगा। एक ही आज्ञा को तोड़ने के द्वारा आपकी जिंदगी में घोर अंधकार छा गया, और उसका कारण है मोबाइल। आज हमने बहुत से जवान बच्चों को सलाह दिया था कि अपने पापा को चुम्बन दे के आना, मुझे नहीं मालूम उन्होंने किया कि नहीं। आप बदनसीब थे जो आज सुबह शिक्षा में नहीं आए, आपके समान गरीब धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। एक प्रॉफिट एंड एपोस्टल आपके शहर के अंदर में है और आप ड्यूटी कर रहे थे। आपके समान खोटे मिजाज वाला और दूसरा कोई नहीं मिल सकता। यू हैव लॉस्ट इट अ बिग ट्रेजेडी ट्रेजर, आपके पास में संपत्ति खत्म हो गई। आज मामा पापा के अपमान के पीछे आपके माथे में कंप्यूटर ने 666 की मोहर लगा दिया है। यह जो सैटेलाइट से आने वाला मैसेज है ना, वह आपको परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ ले जाता है, नए नियम की पहली आज्ञा को तुड़वा देता है। यही कारण है आज 99% मसीही परिवार में माता पिता अपने बच्चों के लिए रोते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मसीह समाज के अंदर में रहने वाले युवा पीढ़ी के साथ में, शायद मसीही समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें सबसे ज्यादा अपने माँ बाप का अपमान होता है। ऐसा धरती के अंदर में कोई जाति और समाज नहीं, जितने भी धर्म धरती के अंदर में देख लीजिएगा, उनके बच्चे इतना अपमान नहीं करते जितने क्रिश्चियन बच्चे अपने मां बाप का अपमान करते हैं। उठा के इतिहास देख लीजिएगा, नहीं तो आज के बाद में कंप्यूटर लगा के दूरबीन लगा के उन बच्चों को देखें जो दूसरे समाज में पाए जाते हैं। इतनी बदतमीजी वो नहीं करते अपने मामा पापा के साथ में जितना आज मसीह समुदाय के लोग करते हैं। वाई? क्योंकि उनको मालूम है ऐसा करने से इनका दिया बुझा दिया जाएगा, उनका तो जला ही नहीं है, उनका जला नहीं है। आज क्रिश्चियन लड़के और लड़कियां अपने मां बाप का अपमान करते हैं, उसको बुड्ढा बोलते, उसको डैड बोलते, अंग्रेजी भी पूरी नहीं सीखे। दे आर कर्सिंग अवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द मोबाइल, बिकॉज ऑफ दिस किंगडम ऑफ डेविल। यह है 666 जो आपके माथे के अंदर में इरिटेशन पैदा कर रहा है। यह है पशु, और इसको धीरे से आपके हाथ में चिप में लगा दिया जाएगा और यह मूर्ति बोलने लगेगी। क्या यह मोबाइल नहीं बोल रहा है? आपको मालूम है जो लोग जितने ज्यादा इंटरनेट से और मोबाइल से जुड़े हुए लोग हैं, वे कभी पवित्र आत्मा की शांति नहीं पा पाएंगे, उनके अंदर कभी वरदान नहीं मिलेगा। यदि कोई पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहता है तो इसको लॉक कर दे। ये केवल 5% आपका काम का है और 99% आपके लिए बर्बादी का संदेश लेके आया है। स्टॉप इट। आज 99 आज से 80-85% परमेश्वर के दास उठते बराबर सबसे पहले बाइबिल नहीं खोलेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे और उसको बाइबिल के ऊपर रख देते हैं। रात को 12 बजे इसी मोबाइल से तुमने पोर्नोलॉजी वाली देखी थी पिक्चर और उसको बाइबिल के ऊपर रुक करके सुबह 5 बजे दुआ कर रहे हैं। अभी एक रिकॉर्ड हमको मिला, बेनी हिन जी ने एक जगह पास्टर्स मीटिंग की एक होटल में। होटल के मालिक ने बेनी हिन जी को एक बात कहा, ये पास्टर्स कॉन्फ्रेंस है सर, आपकी मीटिंग 10 बजे खत्म हुई, रात के 10 बजे के बाद में
इस होटल में पास्टरों को छोड़कर और कोई नहीं था, पूरा होटल आपने बुक किया है। परंतु एक दुख का संदेश हम आपको देते हैं, इस होटल के अंदर में रहने वाले पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में 85% मीटिंग के बाद में पोर्नोलॉजी वाली वेबसाइट खोल के देख रहे थे, हमारा कंप्यूटर बोल रहा है दिस इज द पास्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये रिकॉर्ड है। 85% होटल के अंदर में रात के 11 बजे के बाद मीटिंग के पश्चात 99-80% लोग वहां पर जो है ना परमेश्वर के दास का संदेश सुनने के बाद में रात को 12 बजे फ्री वाले नेट से वे पोर्नोलॉजी वाले वेबसाइट्स खोल करके देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता ये आपके धर्म गुरु है क्या, मूर्ति बोल रही है, ये रियलिटी है। ये ख्रिस्त विरोधी जो है ना बेटा, वो ओनिडा के सिंह के समान नहीं है, ये उल्टे पैर वाला नहीं है, वो घर घर में बैठा है। सावधान, पवित्र आत्मा के प्रेम और आनंद और मेल और धीरज और कृपा और भलाई के अनुभव को आपकी जिंदगी में आने के लिए, चाहे आपका सिद्धांत हो, आपकी टेक्नोलॉजी हो, आपकी जरूरत हो, आपके सिद्धांतवाद हो, आपके संस्थावाद हो, यदि किसी भी प्रकार की बात के कारण पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में नो अनुभव पैदा करने में देरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो गए हैं। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, हमारा संदेश पूरा नहीं हुआ, कंगूरे पर घृणित वस्तु बैठ गई है। इसलिए बाइबल यहेजकेल को कहता है कि मेरे पवित्र स्थान से ही तलवार चलाना शुरू करो, और उन्होंने याजकों से शुरू किया जिनके माथे पर मोहर नहीं थी। आपको मालूम है ये माथे पर मोहर क्या है? हमारा दिल आज बाइबल पढ़ते पढ़ते रो पड़ा, जब हम प्रकाशित वाक्य के पन्नों को पलटा रहे थे, हमने खुदा से माफी मांगी, प्रभु बाइबल सिखाते सिखाते ऐसा लगता था मैं बोर हो गया हूं, परंतु आज के प्रकाशन ने जिंदगी हिला के रख दी। हमने पहले ही कहा था हम सिस्टमेटिक नहीं वरन ऑटोमेटिक हैं। मेरे प्रियो, बहुत कुछ है। आगे बाइबल कहती है एक सफेद बादल पर कोई पुरुष बैठा है, उसको बोला पृथ्वी लबाने के लिए तैयार है, अपना हंसुआ उठा और लबा ले। फिर दूसरे स्वर्गदूत को कहा अपना तेज धार वाला हथियार ले, अंगूर की बेला को काट ले और सारे गुच्छों को उस कुंड में जमा कर दे जहां पर दाख रौंदी जाए। माय गुडनेस, आपको मालूम है मेरा मालिक हंसुआ लेके खड़ा है, तो हम खुदा के बटखरे में इकट्ठा होने वाले लोग हैं या स्वर्गदूत जो अपना हंसिया लेके खड़ा है अंगूर के गुच्छों को पिरोने के लिए जहां दाख को रौंदा जाएगा, और जब रौंदा गया तो खून घोड़ों के लगाम तक उठा और कई कोस तक खून बह गया। प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा आगे 14 और 15। मेरे प्रियो, आज दो प्रकार की कटनी काटेगा, नंबर 1 कटनी मेरा प्रभु काटेगा, नंबर 2 कटनी स्वर्गदूत काटेंगे। मेरा प्रभु ऊपर ले जाने के लिए और स्वर्गदूत जिनके माथे पर मोहर नहीं है उनको काटने के लिए। आपको मालूम हो आने वाला साल 2019 अक्टूबर 2020, इन आने वाले 1.5 वर्षों के अंदर भारी तबाही मसीह समुदाय के ऊपर होगी। एक भारी भूकंप आएगा जो दिल्ली को भस्म करता हुआ हिमालय की पहाड़ी से उतरेगा, वो 11 रेक्टर से गहरा होगा। बार बार इंडोनेशिया की तरफ से एक भारी तूफान का संकेत मिल रहा है, वो जो आके चला गया ना 15 दिन के बाद पहले, ये तो सब ट्रेलर है, ट्रेलर ओरिजिनल नहीं आया, अभी तो पेड़ ही टूटे हैं। इसलिए बार बार प्रभु उड़ीसा को चेतावनी दे रहा है, हमें नहीं मालूम हमारा प्रभु है कौन। यदि संस्थाएं प्रभु के लोग ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं,
सबसे पहले जिस प्रांत की जवाबदारी मसीह समुदाय को दी है, यदि वे अपने सामने परमेश्वर के सामने भय खाते हुए जीवन नहीं जिएंगे, तो ये प्रांत इसी तरीके से अलग अलग प्रकार की विपत्ति की चपेट में आता रहेगा। याद रखिएगा, जहां अपराध बहुत हुआ वहां न्याय भी ज्यादा हुआ। मेरे प्रियो, ख्रिस्त विरोधी तंत्र आज दिखाई दे रहा है। यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के बाद में 7 साल के बीच में जो कुछ होगा, एक लाइन सुन के खत्म करिएगा, यीशु के आने और कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो 7 साल का महाक्लेश काल होगा, जिसमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, जिसमें एक व्यक्ति शासन करेगा और वह कंप्यूटर से शासन करेगा, ये मूर्ति बोलने लगेगी, ये वाली घटना यीशु के आने के 7 साल पहले से शुरू हो जाएगी। 7 साल कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल में होने वाली 7 साल के महाक्लेश काल की ओरिजिनल कॉपी में से यीशु के आने के 7 साल पहले से ये सारे ग्लिम्स दिखाई देने लगेंगे। अब आप ही बताइए, आपका ये जो नोटबंदी थी वो कब हुई, कौन से साल में हो गई? अरे बोलो ना, 2017 में है? 2017 अक्टूबर 7 तारीख, आपको मालूम है 31 अक्टूबर को इज़राइल के 70 वर्ष पूरे हुए, 1947 में इज़राइल देश गठित हुआ और 48 में उसको रूल में लेके आया गया। 2017 31 अक्टूबर को इज़राइल के 70वें साल खत्म हुए और 71वें साल के शुरू होने के पहले साल के पहले महीने के 7वें दिन में 8 अक्टूबर या 7 नवंबर को ये नोटबंदी हुई थी। उसी दिन एक ही दिन में हमारा देश गरीब हो गया, 71वें साल के पहले महीने, साल के पहले महीने के पहले सप्ताह के 7वें दिन में हम गरीब हो गए। आज हमारा देश अरबों रुपए के कर्जे में है। छोड़ो उसको, आपको क्या लगता है हम कौन से दिन में खड़े हुए हैं? क्या हमारे लिए घर बनाने का समय है? क्या हमारे लिए शादी करने का समय है? दूल्हा अपने कमरे से, दुल्हन अपनी कोठरी से निकल जाए, दूध पीते बच्चों को भी ले आओ, ना जाने तरस खाने वाला परमेश्वर हम पर दया करे, याजक अपने कपड़े नहीं, दिल फाड़ करके वेदी के आंगन में और पवित्र स्थान में रो रो करके प्रार्थना करें, योएल 2 में लिखा है, ना जाने दुख देने वाला परमेश्वर पश्चाताए और हमें प्राण दान दे। जाके योएल 2 की किताब पढ़ लीजिएगा, सियोन में नरसिंगा फूको, सांस बांध करके फूको, पवित्र प्रजा को कह दो यहोवा का दिन आता है, वह घोर अंधकार और तिमीर का दिन है, जैसे सुबह का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है वैसे एक सामर्थी जाति आएगी जिसके आगे आगे आग चलेगी, आगे तो एदेन की बारी होगी और पीछे मरुस्थल बन जाएगी। मेरा परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। यदि आपकी ये 5 साल प्रेम से गुजर गए ना, तो प्रभु को धन्यवाद दो। न जाने 22 से 25 के दौरान क्या होगा क्या नहीं होगा, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे। युवा पीढ़ी को जाग जाना चाहिए, इस पर ताला मारो, यदि इस पर ब्रेक नहीं लगाया तो जिंदगी की बर्बादी की लाल बटन इसी से दबने वाली है। यही तुम्हारी मोहब्बत को अंत कर रहा है, सबसे पहले तो मां बाप के लिए नफरत पैदा कर रहा है, पत्नी पर शंका और पति पर शंका, इसी से पैसे की लेन देन, इसी से हमारा दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक,
यदि मुझे मौका दें तो व्हाट्सएप की दुष्ट आत्मा और फेसबुक की दुष्ट आत्मा के मैं पक्के प्रमाण वीडियो में दिखा सकते हैं। टाइम इज ओवर। परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले, जाग जाने का समय, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। जितने जवान बच्चों ने अपने मां बाप का अपमान किया है, आप अपने मोबाइल को बपतिस्मा दे दो और कहना, प्रभु इसका उपयोग उतना ही होगा जितनी जरूरत है, आज मैं इसको पवित्र करने के लिए तेरे हाथों में सौंप देता हूं। Be holy before the throne of God। माँ बाप से क्षमा मांग लें, पत्नी पर विश्वास करें, पति पर विश्वास करें, जो दसवां हिस्सा है प्रभु को दें, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे नो अनुभव दे दे, जिससे कि मेरे जीवन में चेतन मन के द्वारा अवचेतना में, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पवित्र आत्मा की कहानी लिख दी जाए। यदि ये दिमाग और मट्टी माटी में मिल भी जाए तो इस दिमाग के द्वारा मैं आत्मा के दिमाग में सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रख सकूं, और दुष्ट तुम्हारे अंदर में सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे नहीं रखने देने के द्वारा ख्रिस्त विरोधी की हमारे हाथ में दे दिया है। मैं मोबाइल का दुश्मन नहीं हूं, मैंने भी रखा हूं, एक नहीं 14 मेरे पास में हाई क्लास वाले हैं, परंतु मुझे मालूम है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। मैं आपको मोबाइल तोड़ने और फेंकने के नहीं बोल रहा, परंतु इसकी अशुद्धि को साफ करने के लिए पवित्र आत्मा निर्देश और आदेश दे रहे हैं। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोलें, हम थोड़ा रुक जाएं। आज रात प्रभु आ गया, यदि आपने खैनी की आदत शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में लिख दिया है, तो क्या यह खैनी की आदत वाली आत्मा को प्रभु ले जाएगा? क्या पोर्नोलॉजी वाले शरीर के दिमाग से आत्मा के दिमाग में पोर्नोलॉजी की कहानी लिख दी, तो क्या ये पोर्नोलॉजी वाला आत्मिक दिमाग ऊपर जाएगा कि तुम्हारा मुर्दा जिंदा होगा? नहीं तो आज पश्चाताप का दिन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हमारा संदेश खत्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला संदेश में पहला शब्द कहा था मन फिराओ, दूसरा शब्द कहा था स्वर्ग का राज, तब प्रभु जी कहते हैं जाओ बीमारों को चंगाई देना। ये सब सप्लीमेंट्री जॉब है, रिपेंटेंस इज द मेन जॉब इन द गॉस्पल। और आज सुसमाचार में पश्चाताप का महत्व खत्म हो गया है। आज 2 मिनट हम पश्चाताप के लिए अपना समय गुजारेंगे। सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह में खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, पिता मुझ पर तू दया कर। योएल 2 के अनुसार मैं आंगन और वेदी के बीच में मुंह के बल गिरकर कपड़े नहीं मन फाड़ के पश्चाताप करूंगा। दुल्हा अपने कमरे से, दुल्हन अपनी कोठरी से निकल आए, दूध पीते बच्चों को भी ले आओ और रो, न जाने दुख देने हारा परमेश्वर दया कर ले। यदि आज तक आपने अपने शारीरिक दिमाग में परमेश्वर की आत्मा को काम नहीं करने दिया है, तो आज पुकार के कहें, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे मन को बदल दे। मेरा शारीरिक मन जब बदलेगा तो बदली हुई कहानी मेरी आत्मा के मन में आ जाएगी। कॉन्शियस से मैं सब कॉन्शियस के अंदर में एक अच्छी कहानी लिख दूंगा। हे प्रभु, आज तक मैंने घास फूस और काट के रद्दे रखे, परंतु आज मैं सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर के रद्दे रखना चाहता हूं। ऐ पिता, मुझ पर तू तरस खा।